हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन अकेडमी जी चैनल आई एम समीर चिंचोली करियर मैथमेटिक्स मेंटर एंड वी आर बैक अगेन विद द गेम चेंजर सेशन बच्चों आज हम यहां पे एरिया का डिस्कशन करेंगे एरिया आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा यहां पे पूछा जाने वाला टॉपिक है आपको जेई मेन जेई एडवांस दोनों में ही एक सवाल यहाँ पे एरिया से मिलता है और आपको यहां पर इनके सवाल करने में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है क्योंकि इसके अंदर होते हैं कुछ शानदार से शॉर्टकट्स आए हो सारे बच्चे यहां यहां पर शॉर्टकट्स पहले हाँ पे देख चुके होंगे लेकिन अगर आपने नहीं देखे या फिर आपको यहां पे शॉर्टकट लगाने में दिक्कत आती है तो आज के सेशन के बाद में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट के थ्रू भी कई सारा सवाल अपने हाँ पे हैंडल करेंगे और साथ साथ हम यहाँ पे एरिया के बच्चों वो भी क्वेश्चन करना सीखेंगे जहां पर रेगुलर फिगर से हटके कुछ पूछ लिया जाता है ठीक है और आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला वालों जिनका मैं यहाँ पे आज इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता हूँ वो सवाल देखिए

फिर हर सब्जेक्ट के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे और फिर जाके हम यहाँ पे पीसीएम के बेसिकली जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको एग्जाम में करने की कोशिश कर रहे होते हैं ठीक है सो so हाँ पर जो मेजर सिलेक्शन है वो इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चन के लेवल पे ही हो चुका होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आप केवल अपनी रैंक को यहाँ पर जो है इंप्रूव कर रहे होते हैं ठीक है सो मेक श्योर की आप यहाँ पे किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के ना बैठे आप तीनों ही सब्जेक्ट में यहां पर फोकस करो और अपने जो है परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करो आपके सीनियर्स ऑलरेडी इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रैंक ला चुके हैं हंड्रेड परसेंटाइल नाइनटी नाइन प्लसेंटाइल यहां पर जो है आपके सीनियर्स ने जो लाए हैं ये करिश्मा अब आपको भी करके दिखाना है मेहनत सभी एजुकेटर्स आपके साथ में उतनी ही कर रहे हैं जितने लास्ट ईयर करी थी आप यहां पर बस अपने साइड से जो डेडिकेशन है उसको कम मत होने देना और खुद पर कभी शक मत करना ठीक है आप लोगों ने यहां पर जो मेहनत करी है वो यहां पे रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिलाएगी नॉट टू वरी अबाउट इट आई होप सारे बच्चे यहां पर आ चुके हैं हमारे यहां पर गेम चेंजर का सेशन बच्चों यहां पे बिगिन हो रहा है एंड क्विकेस्ट वे मेरे ख्याल से आज हम यहाँ पे देखेंगे कि यार आपको अगर यहाँ पे एरिया समझना है या फिर रिवाइज करना है तो सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर ये यह काम कैसे कर सकते हैं ठीक है और राइट आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है समृद्धि चलो यहाँ पर अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे गेम चेंजर सेशन में आ गए हैं क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे क्लियरली अपने चार नंबर अभी दाव पे लगा के बैठे हो ठीक है और कोई है यहाँ पर ऐसा जिसने एरिया इसके पहले नहीं पढ़ा है वैसे आप लोगों के बोर्ड्स के सिलेबस में भी एरिया है राइट हालांकि वहां पर सवाल बहुत चिंदी आते हैं लेकिन तब भी यहाँ पर क्योंकि आपके बोर्ड्स के सिलेबस में एरिया है है तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे बोर्ड तो केवल सारे बच्चों ने रेडी करके ही रखा होगा इस चैप्टर को आ, क्योंकि आपका यहाँ पर बच्चों हर एक चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपने रखना ही चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे जेई मेन को मतलब जो है महान के चलो कि कोई कोई तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि मतलब आप अगर बिना प्रैक्टिस के भी उस चैप्टर के अगर चले जाओगे लेकिन आपको बेसिक आइडिया होगा तो आप वहां पर नंबर कमा सकते हैं ठीक है कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं

Uh, आपको यहां पर बेसिकली एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अगर पूछा जा रहा है तो दो तीन सिनेरियोज़ यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ठीक है आपको या तो एक्स एक्सिस के साथ में एरिया बाउंडेड पूछा जा सकता है या फिर आपको वाई एक्सिस के साथ में पूछा जा सकता है या फिर आपको बिटवीन टू कर्व्स पूछा जा सकता है बस ये तीन स्लाइड्स अगर आपने यहां पर सही तरीके से समझ लिए तो आपके किसी भी क्वेश्चन में इससे ज्यादा नहीं आएगा फिगर आपका यहाँ पे इससे बेहतर नहीं बनेगा जैसे यहां पर आपको फिगर्स दिखाई दे रहे हैं इनसे गंदे फिगर तो नहीं बनने वाले ठीक है इनसे कुछ ना कुछ अच्छे ही फिगर आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो कहना क्या चाहता हूं मैं यहाँ पर आपको यह समझना चाहिए कि यार आपके पास में कितने अलग अलग तरीके से एरिया क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो पहला यह है कि आप एक्स एक्सिस के साथ में एरिया बाउंड करके बताओ तो लेटेस से आप यहाँ पे एरिया निकालना चाहते हैं इस पहले वाले का का आप पे एरिया निकालना चाहते हो और यह बोल रहा है कि इस एरिया को निकालो आप ए से लेके बी तक ठीक है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करना है आपको आपको बताना है कि ओवरऑल ये कर्व एरिया कितना बाउंड करेगा तो आपको यहां पे सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देना है हमें यहां पर पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया बाउंडेड ही बताता है एंड दैट इज द रीजन कि आपको यहां पर फिजिक्स में इनिशियली एरिया बाउंडेड और इंटीग्रेशन वाली चीजें बताई जाती है, है ना क्योंकि वहां पर से आपके स्लोप की बहुत बार जो है डिस्कशन किए जाते हैं आपके एरिया बाउंडेड से भी आपको कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं ठीक है सो आपको यहां पर बेसिक डेफिनेटली है कि डेफिनेट बेसिकली बेसिकली आपको basically देता क्या है तो डेफिनेट इंडिक्रेशन आपको बेसिकली एरिया बाउंडेड दे रहा होता है ठीक है तो जब आप यहां पर कहते हो कि ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करो फंक्शन को तो मतलब आप इसी एरिया की बेसिकली बात कर रहे हो राइट लेकिन ये तो आपका सबसे सिंपल वाला फिगर हो गया जहां पर आपका जो एफेक्ट है

वही आपके एरिया का भी आंसर बनेगा लेकिन दिक्कत कब आ जाएगी जब आपसे पूछा जाएगा कुछ इस तरह का सवाल नेक्स्ट जो आपका पैटर्न है क्वेश्चन का उसके अंदर देखो क्या दिक्कत आती है यहां पर आपको बोला जाता है कि फिर से आप ए से लेकर बी तक अपना एरिया फाइंड करके बताओ लेकिन यहां पर बीच में कोई एक ऐसा लोकेशन आ रहा होता है है ना जिसके पहले आपका कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है और जिसके बाद में एक्स एक्सिस के ऊपर है अब अगर मैं यहां पे एरिया बाउंड की बात करता हूं तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन बेसिकली ओवरऑल हमें पे निकाल के बताना है लेकिन ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं करेंगे के करना पड़ेगा आपको वैल्यू पड़ेगी तो आपको पता चलेगा कि एक्स कहां पर है जहां पर जीरो बन रहा है अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप यहां पर सी से लेके बी तक इंटीग्रेशन करोगे अपने एफ एक्स फंक्शन का जब आप सी से लेके बी तक सी से लेके बी तक अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो तो आपको एग्जैक्टली exactly यही वाला एरिया मिल जाता है लेकिन अगर आप यहां पे इंटीग्रेशन करते हो A से लेके सी तक तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है ए से लेके सी में आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो लेकिन क्योंकि आपका कर नीचे है तो हम पहले से जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आएगा नेगेटिव क्या आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर

तो आपको पता चलता है कि यार ए से लेके बी में बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें फंक्शन ही चेंज हो गया ए से लेके सी तक तो आपका फंक्शन चल रहा था ए से लेके सी तक तो आपका फंक्शन चल रहा था लेकिन सी से लेके बी में फंक्शन चेंज हो गया तो कोई बात नहीं आप ए से लेके सी में FX का इंटीग्रेशन कर लो और सी से लेके बी में आप जीएक्स का इंटीग्रेशन कर लो सही बात है ये वाला एरिया बाउंडेड आपको बिल्कुल वाली फीलिंग दे रहा है और वैसे ही यहां पे आप नया एरिया उसके अंदर जोड़ लेना तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा राइट सो so, आपको यहां पर ये दो तीन चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है तो राइट सो so, यहां पर और उसके बाद में सी से लेके बी तक अपने फंक्शन जी एक्स का इज दैट राइट जिन्होंने पढ़ लिया है उनसे मेरा सवाल क्या एक्स एक्सिस के साथ में इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन कभी भी आपने देखा है के? इन तीन कॉम्बिनेशन के अलावा और कुछ आपने कभी लाइफ में देखा है जल्दी बताइए जिनको यहां पर ये यह चैप्टर अच्छे से आता है जिन बच्चों ने यहां पर चैप्टर पहले बार पढ़ना है वो इन इस तरह के फिगर से थोड़ा सा वाकिफ हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है जो मेन पॉइंट्स हैं, वो आपको यहां पर पकड़ना है ठीक है यश समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं सेशन बंद कर दो क्योंकि अगर आपको यहां पे बहुत ज्यादा टेंशन है ना दिमाग के अंदर तो सिंपल सिंपल सी बातें भी यहां पर पकड़ने में दिक्कत होगी आपको लगेगा कि यार मेरा एक घंटा यहां पे अभी स्पेंड हो रहा है मेरा डेढ़ घंटा स्पेंड हो रहा है अगर आप अभी उस माइंड फ्रेम में है तो आपको यहां पर बातें समझ में नहीं आएंगी ठीक है मैं समझ सकता हूं यहां पर अभी आप अगर अपने चैप्टर को पहली बार पढ़ने के लिए अगर बैठे हैं तो आपको यहां पर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए लेकिन आप शांति से बैठो तीन चार घंटे एक चैप्टर में स्पेंड करने के बारे में अगर सोचोगे तो आपको यहां पर है ना सारी चीजें समझ में आएंगी जो भी मैंने यहां पर बोला है वो यहां पे बिल्कुल भी किसी के Uh, है ना सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए किसी के भी सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए यही सारे कॉम्बिनेशन होते हैं यस फंक्शन डिस्कंटिन्यूस हो तो आप यहां पे बिल्कुल भी जो है परेशान ना हो फंक्शन अगर आपके यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो भी जाए तो भी आपको यहां पर यही सारी चीजें करनी है बेसिकली आप जब यहां पर एफ एक्स डीएक्स करते हो तो आपको क्या करना है

अभी भी अगर आप यहां पे एक्स एक्सिस के साथ में एरिया बाउंड्रेड अगर निकालना चाहते हैं यहां से लेकर यहां तक तो कुछ नहीं करना है ये वाले डेफिनेशन ये वाला डेफिनेशन का इंडिकेशन करना है ए से लेके सी तक फिर आगे वाले डेफिनेशन का इंडिकेशन करना है सी से लेके बी तक राइट ये यूजुअली आपको सिनेरियोस देखने के लिए मिलते हैं है ना आपने यहां पर देखा होगा कि डिस्कटिन्यूस फंक्शन वैसे ज्यादा करके पूछे नहीं जाते हैं आपको यूजुअली है ना कहीं ना कहीं यहां पर जो है पूरा क्लोज फिगर मिल रहा होता है ठीक है ऑलराइट चलिए right. वैसे ही अगर मैं यहाँ पे y-axis के साथ में देखूं तो फिर से यहाँ पे कुछ तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप यहाँ पे बोल सकते हो कुछ इस तरह से ना वो एक कर दे दिया उसने मुझे एफ एक्स नाम का और फिर बोला कि आप ना ए से लेके बी तक इसका एरिया निकाल के बताओ ठीक है लेकिन उसने यहाँ पे वाई एक्सिस दिया था सर वाय पर ए से लेके बी तक ट्रांजिशन उसने बताया था तो इस से ये वाला एरिया ढूंढने को की कोशिश करी एंड एरिया आपका क्रिएट हुआ अगर यह बात नहीं है जब भी आप y के साथ में एरिया देखते हो, तो आपको यह देखना है कि क्या पूरा, का पूरा, एरिया और पूरा का पूरा कर ए से लेके बी में क्या वाई एक्सिस है अगर वो y एक्सिस है तो यहां पे टेंशन कम है आप डायरेक्टली अपने डेफिनेट इंडिग्रेशन के आंसर से फाइनल बता सकते हैं जैसे यहां पर भी हमने बोला था कि केवल डेफिनेट इंडीग्रेशन का जो वैल्यू है वही आपके एरिया का आंसर है वैसे यहां पर भी डेफिनेट का जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल वैल्यू एरिया का भी होगा लेकिन एक्सिस एक्सिस के के साथ साथ में में देखो जब के साथ में आप एरिया निकालते हो तो आप डीएक्स का इस्तेमाल करते हो जब वाई एक्सिस के साथ में एरिया निकालोगे सिंपल सी बात डी का आपको इस्तेमाल करना होगा क्योंकि आप यहां पे अपनी वाई की वैल्यू को कहां से कहां तक ले जाना चाहते हो आप वाई की वैल्यू को ए से लेकर बी तक ले जाना चाहते हो तो क्या आएगा यहां पे डी आएगा यस yes, इतना तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इजीली समझ सकते हैं ए से लेके बी में मैंने यहां पर डीवाई लिखना चाहिए लेकिन अब मैंने अगर डीवाई लिखा है और फंक्शन अगर मुझे पर हाँ पर दिया हुआ है वाई तो मेन जो आपको रिजोल्व करना पड़ेगा वो क्या है कि यार मुझे यहाँ पे वाई के टर्म्स में कुछ डालना पड़ेगा ना मुझे वाई के टर्म्स में यहां पे कुछ डालना पड़ेगा जैसे अगर मैं यहां पर बोलू आपको कि यार ये तो बेसिकली ये किसी क्वारटिक का पार्ट है मैं आपको बोलता हूँ लेटेस्ट से है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ हालांकि उस कर्व से मैच नहीं कर रहा है लेकिन चलो यहाँ पर मैंने मैंने ले लिया y x -square. मैंने आपको फंक्शन दिया और बोला कि आप एक्सिस के ऊपर इसका एरिया बाउंड्री निकालो यहां से लेके वहां तक तो यहाँ पर क्योंकि आपने डी लिखा हुआ है ये क्लियर है कि यहाँ पे डीवाई लिखना पड़ेगा वाई की वैल्यू को लेके तक ले जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वाई वाला एक्सप्रेशन डालना है इस जगह तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको चेंज करके x इज इक्वल टू रूट वाई बनाना पड़ेगा

ठीक है बहुत ही बेसिक सी बात है इसकी बना तो हम यहाँ पे सॉली कैसे करेंगे सोच के बताओ तो आपने अगर इसको चेंज कियापल तो हाँ दिया था तो रूट बन गया था मैंने जब बोला था कि यहाँ पर आप वाईजल टू एक्स सोचो तो आपने अल्टीमेटली जो बनाया था एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और रूट वाई बना था वाई तो के टर्म्स में जो फंक्शन है वो रूट है जबकि यहाँ पे एक्स के टर्म्स में जो फंक्शन है वो स्क्वायर है तो फंक्शन चेंज हो गया इसलिए F करना सही नहीं है तो हमने उसकी जगह जी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए तो यहाँ पर, करनी है, इसलिए हाँ पर मैं जी वाई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो यहाँ काफी अच्छा है काफी आसान है जहां पर आपको ए से लेके बी में फंक्शन कैसा नजर आता है फिर से सुन लो ए से लेके बी में आपका जो फंक्शन है वर्टिकली आप यहां पे देखो ए से लेके बी में जो आपका फंक्शन है वो पूरा का पूरा y axis के right hand side में है। तो area पूरा का पूरा यहाँ पे positive create हो रहा है इसलिए definite integration से जो आपका answer बनेगा वही आपके area का भी answer होगा। लेकिन अब आती है दिक्कत बिल्कुल सेम दिक्कत जो पिछली बार हम टैकल एक्चुअली कर चुके हैं अगर आप यहां पे ऐसा कोई कर देखते हो जहां पे एरिया निकालते समय आप अगर ए से लेके बी तक ट्रांजिशन कर रहे हो A से लेके बी तक अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो कुछ एरिया आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है एक्सिस के और कुछ एरिया आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है एक्सिस के तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो एरिया आपका बनता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वो वाला एरिया आपका पॉजिटिव होता है राइट right? एरिया तो खैर पॉजिटिव ही होता है वो आपका डेफिनेट इंडिग्रेशन पॉजिटिव होता है एरिया भी पॉजिटिव होता है इसलिए हम यहां पर लेटर से बीच वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे है ना बीस वाले पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फंक्शन के अंदर आप वाई की एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे फंक्शन के अंदर अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट है अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो डालते हो तो वाई का जो वैल्यू आएगा वो यहां पे मैंने सी अभी के लिए मार्क किया है थ्योरी में तो हम ये कह रहे हैं कि आप अगर इंटीग्रेशन करोगे अपने उसी फंक्शन का जो यहां पर दिया हुआ है ठीक है लेकिन कैसे करोगे जी में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करोगे ए से लेके सी तक अगर आप इंटीग्रेशन करते हो से लेके सी तक अगर आप अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो डी की मदद से तो आपको यहां पे y वाले एक्सप्रेशन को डालना पड़ेगा चेंज करके तो g ऑफ y डालेगा इसके अंदर तो क्योंकि यहां पर ये एरिया लेफ्ट हैंड साइड में है आपको दिख रहा है इसलिए यहां पर कर्व प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है आपको पहले प्लॉट कर लेना होता है कर्व फिर यहां पर आपको आगे बढ़ना होता है तो आपका यहां पर क्योंकि एरिया लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है इसीलिए आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हरकत देगा डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना आंसर नेगेटिव में निकाल के देगा हमें क्या नेगेटिव में आंसर चाहिए नहीं हमें यहां पे आंसर पॉजिटिव में चाहिए इसलिए हम यहां पे खुद से होशियारी करेंगे और खुद से एक नेगेटिव साइन पहले से लगा लेंगे तो जब भी एरिया एक्सिस के साथ में कैलकुलेट होता है लेकिन आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में बाउंडेड है तो आप खुद से एक नेगेटिव उसके आगे लगाओगे लेकिन आगे कोई दिक्कत नहीं है आगे, आगे आप यहां पे सी से लेकर बी तक सीधा सीधा इंटीग्रेशन करवा लो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी क्योंकि पॉजिटिव निकल कर आएगा एरिया भी हमें पॉजिटिव चाहिए था तो वो यहां पे सीधे सही फिट बैठ देंगे

और यह आपका कर्व क्या हो गया वाई इज इक्वल टू एच एक्स हो गया समझ रहे हो राइट right? मेरे ख्याल से एच एक्स की जगह इसको पीएक्स कर लेते हैं पीएक्स को हम Q, Q में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है सुनो ध्यान से अगर आपके इसमें दो कर्व है एंड आपने दोनों को प्लॉट किया और फिर आपको यहां पर दिखाई दिया कि अच्छा एरिया बाउंडेड ये वाला निकालना है चलो कोई बात नहीं लेकिन फिर आपको चमका कि यार जब मैं y एक्सिस के ऊपर a से लेके b तक ट्रांजिशन करता हूं तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ऐसे कि यार कर्व बदल गए यहां से लेके यहां तक तो एफ एक्स जिम्मेदार है एरिया बाउंड करने के लिए फिर उसके बाद में आपका पीएक्स जिम्मेदार है एरिया बाउंड करने के लिए तो हमें यहां पर जो है दोनों को अलग अलग सॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा इतनी तो बात क्लियर है सारे बच्चों को तो मैं यहां पे ए से लेके सी तक अगर जा रहा हूं तो डी वाई के साथ में अपनी वैल्यू लिखूंगा वाई एक्सिस के ऊपर क्योंकि आपका ट्रांजिशन हो रहा है ए से लेके सी तक और डी वाई लिखा है तो y के ही टर्म्स टर्म उसमें यहाँ पर आपको करना पड़ेगा तो यहां पर हमने g ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको जी वाई कर लेते हैं ठीक है और वही सेम चीज आगे भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी b से लेके आ, c से लेके b तक c से लेके b तक अगर आप यहां पे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर p का जो काउंटर पार्ट क्रिएट होगा लेटर से p का काउंटर पार्ट q क्रिएट होता है कि y एक्स इक्वल टू समथिंग में तो लेटर से वो क्यू वाई बनता है ठीक है तो यहां पर आप qy का इस्तेमाल करोगे along with d1 एंड यहां से आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट है इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है गारंटी दे सकते हैं सारे बच्चे क्योंकि गारंटी उन बच्चों को चाहिए होगी जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं कि सर बस इतना ही होता है कि नहीं होता है प्लीज बता दो सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गेम चेंजर में है कि नहीं तो इतने ही सिनेरियोस बेसिकली आपके यहां पर बन रहे होते हैं राइट right? आपको यहां पर जो है इससे बेहतर ही फिगर मिलेंगे यहां पर जो थ्योरी में आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये तो रैंडम से कुछ लाइंस खींच दी गई हैं वहां पर आपको पैराबोला मिलेगा इलिप्स मिलेगा है ना लाइन मिलेगी ये सब चीजें देख के आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़े सुंदर सुंदर से फिगर्स आपके बन रहे हैं ठीक है लेकिन होता इतना ही है पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं कि एरिया के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कैसा कैसा एरिया बन सकता है भाई तो ऐसा ऐसा ही एरिया बन सकता है बस ठीक है ऐसा ऐसा ही कुछ हो सकता है राइट चलिए बहुत ही बढ़िया हम यहां पे अभी अब देखते हैं कि यार दो कर्व के बीच में अगर एरिया पूछ लिया जाए तो क्या क्या सीनारियोज बन सकते हैं दो मेजर सीनारियोज यहां पर आपको मिलते हैं दो मेजर सीनारियोज यहां पर आपको मिलेंगे अगर एरिया बिटवीन टू कर्व पूछा जाए अब एक सबसे बड़ी बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि एरिया बिटवीन टू कर्व अगर पूछा जा रहा है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जो एरिया है है ना एरिया बिटवीन टू कर्व अगर आप देखते हो तो वो चारों पॉडेंट्स में तो इसकी फिगर करने की एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है कि जब मैं यहाँ तो कहीं ऊपर है कहीं नीचे है तो प्लस माइनस का एरिया बाउंडेड बिटवीन टू ज्यादा आसान फील होता है राइट क्यों क्योंकि आपके पास में दो ही तरीके हैं यहाँ पे एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व निकालने के या तो आप एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व निकालते समय अपर करव माइनस लोअर कर इंटीग्रेशन करोगे फिर से सुन लो अपर माइनस लोअर कर तो क्या आपने अगर फिगर बना लिया है अपने क्वेश्चन में तो अपर आपको ऑब्वियसली नजर आ जाएगा क्या यहाँ पे अभी वाला कर्व जो है वो अपर है और वैसे ही लोअर वाला कर भी क्या आपको ऑब्वियसली नजर आ जाएगा अगर मैं यहां पर एरिया बाउंड्रेड पूछना चाहता हूं यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में तो आपके कुछ सवाल ऐसे बन सकते हैं जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके अगले इंटरसेक्शन पॉइंट तक आपको यहां पे निकालना होगा मान लेते हैं कि ये x1 और x2 आपके इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर ऐसे भी सवाल बन सकते हैं जहां पर वो यहां पे डिफाइन कर दे नहीं, नहीं नहीं नहीं, रुको आपको तो ना यहां से लेके यहां तक ही जाना था एक्चुअली है ना ऐसा भी हो सकता है कि आपका सवाल ऐसा कुछ फ्रेम कर दे कोई कि नहीं आपको यहां से लेके यहां तक ही जाने ठीक है अगर उसने खुद ने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक जाना है तो हम यहां पे अपर और लोअर तो ड्रॉ कर ही चुके हैं हम यहां पे लिमिट यहीं से लेके यहां तक इस्तेमाल कर लेंगे लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट कभी कभी क्या होता है कि आपको यहां पर बताया नहीं जाता है केवल दो कर्व्स दे दिए जाते हैं दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई आप ये देखो पहले तो कि यार आपका एरिया बाउंड अगर हो रहा है तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं राइट तो आपको यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं तो आप यहां पर एक ही चीज करोगे अपर कर माइनस लोअर कर कोई चिंता ही नहीं लाइफ में और कोई चिंता लाइफ में है क्या जल्दी बताओ इस तरह का अगर आपका सवाल आता है तो एरिया बाउंडेड के लिए आप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट तक जाते हो और अपर कर माइनस लोअर करते हो dx के साथ ठीक है कोई चिंता नहीं होनी चाहिए लाइफ में कि यहां पर एरिया बाउंडेड कौन से में हो रहा है एक्स एक्सेस के ऊपर है एक्स एक्सेस के नीचे है कोई लोड नहीं है ठीक है इतना ही है बस अपर माइनस लोअर अपर माइनस लोअर करने से यहां पे जो भी मैनेज होना होता है सब मैनेज हो जाता है ठीक है right. और वैसे ही आपको एक और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जहां पे अपर और लोअर उतने क्लियर नहीं होते हैं तो वहां पे हम राइट माइनस लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं राइट माइनस लेफ्ट देखो यहां पर ध्यान से अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर में एरिया बाउंड्रीड निकालोगे तो यहां पर भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट तो आ ही रहे हैं लेकिन अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स ज्यादा सेंस बनाएंगे अगर मैं यहां पे y एक्सिस के ऊपर उनको मार्क करूं तो यहां पे लेटर से आपका y2 है यहां पर आपका y1 है ठीक है तो हम ऐसे सीनारियोज में जहां पे अपर और लोअर सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होता लेकिन राइट और लेफ्ट बड़ा क्लियर होता है कि हाँ यार अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि यार इनके कॉम्बिनेशन बताओ कि राइट में कौन सा है तो आप बोलोगे ब्लू वाला राइट में और लेफ्ट में कौन सा है तो आप बोलोगे येलो वाला लेफ्ट में है जैसे यहां पर भी अगर मैं पूछूं तो राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन है राइट लेफ्ट क्या है अरे भाई हमें क्या पता राइट लेफ्ट दिख नहीं रहा है ठीक से अप एंड डाउन दिख रहा है अपर अप एंड लोअर दिख रहा है इस केस में तो दो आपके पास में यहां सीनेरियके बन सकते हैं जहां पर आपको अपर और लोअर क्लियरली दिखाई दे या फिर आपको राइट और लेफ्ट क्लियरली दिखाई दे समझो इस बात को आपको हो सकता है राइट और लेफ्ट क्लियरली दिखाई दे किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि दोनों क्लियरली दिखाई दे तो वहां पर आप डिसाइड कर लेना कि आपको फिर क्या यूज करना है ठीक है दोनों में से फिर आप जो भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में जहां पे राइट और लेफ्ट क्लियरली आपको दिखाई देते हैं आप एक्चुअली एक्सिस के अपना इंटीग्रेशन करते हैं एंड द आंसर समथिंग लाइक दिस इस एरिया का वैल्यू निकलता है आप वाई वन इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर वाई टू इंटरसेक्शन पॉइंट तक जाएंगे और अंदर करेंगे राइट माइनस लेफ्ट क्या करोगे राइट माइनस लेफ्ट क्योंकि लेकिन आप वाई एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो तो क्या आएगा साथ में डी वाई

इतने ही सिनेरियोस बेसिकली आपके पॉसिबल हैं। यस yes, रहेगा यहां पर याद आप यहां पे बेसिकली इन तीन पेज को ही बस अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर सकते हैं आपको और कोई सीनैरियो यहां पे मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है एरिया की अगर आप कंप्रेस्ड अगर यहां पे कुछ थ्योरी चाहते हैं तो दिस इज इट अब सवाल पर डिपेंड करेगा कि आपको कर्व बनाते आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बात अलग है ठीक है बट दूरी इज ऑनली दिस मच ये वॉइस कम आ रही है क्या बात कर रहे हो एक बार बाकी बच्चे भी बताइए वॉइस कम आ रही है क्या आई डी हमारा हमारा यहाँ पे जो बोल रहा है मैंने यहां पर सारा पॉसिबल सकता है आपके इस चैप्टर में अब एक एक करके हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं कि यहां पर एक्स एक्सिस अपर कर लोअर कर क्या सिनेरियो यहां पर आपका बन रहा है ठीक आ रही है वॉइस ठीक है चलिए तो आप यहाँ पे एक बार अपना आउटपुट चेक कर लेना बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आ जाए बिल्कुल सही बात है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे चलिए शॉर्टकट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेकिन पहले है ना जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं कुछ बच्चे यहाँ पे पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो एकदम सही शॉर्टकट बता देंगे तो बच्चों लगेगा कि ये लो पूरा चैप्टर शॉर्टकट ही है ठीक है एक बार आइडियाज शेयर करते हैं क्योंकि आपका सवाल जो है वो हमेशा शॉर्टकट से सॉल्व हो जरूरी नहीं है लेकिन आप जेई मेन पे अगर फोकस्ड रहें तो देर इज अ वेरी यूज चांस मोर देन फिफ्टी चांस कि आपके शॉर्टकट्स अपलीकेबल होंगे मोर देन चांस आपके क्वेश्चन में शॉर्टकट एप्लीकेबल होंगे दैट इस चैप्टर के शॉर्टकट हमें आपके सीनियर्स ने यह क्वेश्चन सोल्व किया है नंबर कमाने लिए? Yes. के लिए यस कितना टाइम लगेगा लेक्चर खत्म होने में अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बेटा ये अभी का पहला सवाल है ठीक है थोड़ा टाइम तो लेंगे

है ना सुंदर हो जरूरी नहीं है लेकिन एक आइडिया दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ बनेगा हमारा रफ फिगर y रफल रूट होने वाली एक लाइन है कोई डाउट नहीं है ये आगे लाइन हमारी द एरिया इनक्लोज बाय दिस एंड दिस दैट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर्म दिस एंड दैट अरे तो यहां पर हमारे पास में जो ट्राइंगल बनाने के लिए कॉम्बिनेशन हो क्या है एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू रूट टू इनकी मदद से ये बोल रहा है तीन लाइन की मदद से कोई तो एक ट्राइंगल बनेगा इसके बाहर ही रहना है आपको इसके अंदर आने की गलती मत करना ऐसा बोल रहा है चलो ठीक है टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ट्राइंगल कौन सा है वो जो यहाँ पर बोला जा रहा है अभी हमारे पास में एक लाइन तो यही बनी हुई है ठीक है अब ये जो लाइन हमने बनाई है ये एग्जैक्टली यही लाइन है वाई टू रूट टू एक्स वाइज रूट टू एक्स यहाँ भी लिखा है नहीं नहीं तो ये तो बना हुआ है पहले से एक्स इक्वल टू वन कैसे बनता है एक्स एक वर्टिकल लाइन आती है चलो एक वर्टिकल लाइन ठीक है, है, है और चीज नोटिस करोगे कि ये जो आपका कर्व है ना ये कौन सा है ये कर्व है आपका वाई स्क्र इज इक्ल टू एट एक्स अगर आप इस कर्व में एक्सक्ल टू वन डालोगे अब ये विजुलाइज करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू वन अगर आप इसके अंदर डालते हो तो ये कितना इंटरेस्टिंगली मतलब तो हाँ आपको जो अगला यहाँ पे line draw करना है वो वाई इज इक्वल टू टू रूट टू वाला ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ठीक है तो जैसे ही आप वो ड्रॉ करोगे आपको यहां पर एक शानदार सा राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए मिल जाएगा इट इज दिस राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है

ठीक है तो एक्सिकल टू फोर है वो बेसिकली आपका डिस्टेंस जहां तक ये अपर लोअर का खेल चलने वाला है ठीक है अपर लोअर में हम यहां पर क्या करेंगे अपर कर्व में डालेंगे अपना वाइट वाला पैराबोला ठीक है अपर माइनस लोअर इंटीग्रेशन करना है कहां से लेके कहां तक यहां से लेके यहां तक कहां से लेके कहां तक जहां पे भी अपर और लोअर बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जीरो से लेके फोर तक जाओगे बेटा जीरो से लेके फोर तक अपर क्या है

ये रहा आपका वैल्यू ठीक है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो यहां से लेके यहां तक तो आपको वो जो एक एरिया है वो यहां पर पता चलेगा दिस एरिया इज वॉट यू विल गेट रेड कलर से जिसको मैं शेड कर रहा हूं उसमें से ऑरेंज वाला एरिया भी हम यहां पर हटाना है लेकिन उसका डिस्कशन बाद में पहले ये वाला एरिया लेट लेटेस्ट कॉल दिस एवन इसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं राइट सो एवन के लिए हम यहां पर क्या बोलेंगे A1 आएगा आपका यहां पे आ, रूट एट मतलब कितना हो जाएगा टू रूट टू एंड रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा की की बार by upon by X की बार by upon by और इंटीग्रेशन जाएगा जीरो से लेके तक में Minus, root 2 के साथ में आपको फर्दर मिल रहा है एक्स राइट एक्स का इंटीग्रेशन और जीरो से लेके फोर आपकी लिमिट डलेगी इसके अंदर तो कितना होगा बेटा ध्यान से देखो

टू टू कॉमन निकल के फोर बाई थ्री माइनस वन मतलब लाल कलर से अभी करके आपको दिखाया है, है ये सोनो ये छोटा सा एरिया क्या आप यहाँ पे बेटा बता सकते हो कैसे निकलेगा इसके लिए कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये तो सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल का यहां पर लेकिन आपको डायमेंशन पता करना पड़ेगा ठीक है डायमेंशन मेरे ख्याल से कुछ हद तक हमें यहां पर पता है क्या देखो यहां पर ये जो है ये x इक्वल टू वन वाली आपकी लाइन है ठीक है ये x इक्वल टू वन है तो x इक्वल टू वन अगर यहां पे इस पर्टिकुलर कर को जो आपका लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू वैल्यू डाल के y का कितना आएगा रूट टू के बराबर आएगा सो दिस हाइट इज बेसिकली रूट टू ये जो हाइट है ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि वाई इजल टू टू रूट टू वाला आपका कर था तो ये वाई इजल टू टू रूट टू मतलब ये हाइट आपकी टू रूट टू है मतलब ये अगर आप डिस्टेंस की बात करो कि ये डिस्टेंस कितना है इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर ये कितना है समझ रहे हो यहां से लेके यहां तक तो ये हो जाएगा आपका रूट टू के बराबर फिर मुझे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए इसके लिए भी हम यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू y की वैल्यू वैल्य। अगर मैं यहां पे टू रूट टू लेकर चलता हूं और इस लाइन के साथ में इंटरसेक्ट करवाता हूं तो x का वैल्यू कितना है मतलब आप टू रूट टू डाल दो यहां पे y की जगह

Is that right? Check कर लें एक बार सारे बच्चे हाँ हाँ yes, yes, yes. यहां पर कैलकुलेस यस फाइनल बताना है सो ये हो जाएगा बेसिकली एट रूट टू अपॉइंट थ्री एंड माइनस यहां पर आ जाएगा रूट टू अपू तो क्या करेंगे यहां पे? ये यह हो जाएगा आपके उसमें ट्वेंटी है ना कितना हो रहा है 16, sorry. 16 और यहां से थ्री तो हो जाएगा आपका थर्टीन 13 रूट टू अपॉन सिक्स आपका आंसर बनना चाहिए थर्टीन रूट टू अपॉन सिक्स थर्टीन रूट टू अपॉन सिक्स सी इसका करेक्ट आंसर समझने के लिए तो बड़ा शानदार सवाल था समझने में यहां पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन क्या इसमें समय लगा क्या इसमें समय लगा ये yes सुनो no? इसके अंदर क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया इसलिए हमें समय लगा क्या कोई बच्चा है जिसको इसके अंदर शॉर्टकट दिखा कोई है जिसको इसमें भी शॉर्टकट दिखा जिसने पहले से पढ़ाई करी हुई है जल्दी बताओ नहीं दिखा शॉर्टकट कुछ बच्चों को दिखा है शॉर्टकट ठीक है तो हम बेसिकली इस सवाल को एक बार फिर से उठाएंगे शॉर्टकट का कर डिस्कशन करते समय क्योंकि अभी यहां पर मैंने शॉर्टकट इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किए हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है राइट लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे यहां पर अभी पहली बार अपनी चीजों को समझ रहे हैं कि आपको यहां पर इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है हम ये जो थ्योरी में पढ़ के आए हैं इन सब चीजों का है ना अपर कर माइनस लोअर करी डोमिनेंटली आपको मिलता है राइट माइनस लेफ्ट भी आपको बड़ा डोमिनेंटली मिल रहा होता है ठीक है सो right. so, ये आप कैसे मान सकते हैं एकदम स्टैंडर्ड सवाल एकदम सवाल मान सकते हैं एकदम स्टैंडर्ड थ्योरी को सीखने के लिए भी आप इनका इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं राइट लेट टेक वन मोर क्वेश्चन द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द पैराबल दिस एंड दैट दो पैराबल के बीच में एरिया निकालना है ठीक है अगेन जिन बच्चों को यहां पे शॉर्टकट का थोड़ा आइडिया है वो तो यहां पे झट से शॉर्टकट लगा के अपने को बाकी आइडिया करना चाहूंगा समझने के लिए हमने सबसे पहले तो क्या करना चाहिए यहां से टू कॉमन निकाल के एक्स माइनस हाफ ऐसा लिखना चाहिए और अगले वाले को भी समझने के लिए हमने यहाँ पर फोर कॉमन निकाल के एक्स माइनस थ्री बाय फोर करना चाहिए ऐसा क्यों ऐसा करने पे हमें यहाँ पर क्योंकि वर्टेक्स पता चलता है वर्टेक्स पहला वाला जो है वो हाफ कॉमा जीरो पे है और ये वर्टेक्स थ्री हाँ का वैल्यू देखो कम है, है ना ये सारी जीरो वर्टेक्स हाँ वाला पैराबोला दिख रहा है उसका एल आर है दो के बराबर जबकि थ्री बायर कॉमस जीरो पैराबोला है उसका एल आर है चार के बराबर जिसका एल आर ज्यादा वो ज्यादा चौड़ा है ना वो ज्यादा ओपन होगा

हम यहाँ पर अपने जो मार्किंग्स हैं वो भी यहां पर कर लेते हैं ये बेसिकली आपका हाफ है ये जो है ये आपका बेसिकली थ्री बायर है ठीक है एंड वी वुड डेफिनेटली टू फाइंड द इंटरसेक्शन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है बेसिकली हम ये निकालना चाहेंगे ठीक है और राइट right, तो बता सकते हो आप लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं है ना दोनों कर्स को सीधे सीधे सॉल्व ही करना है अगर आप इनको सॉल्व करते हो

अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसको यहां पे है ना देख के थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि चलो ठीक है बढ़िया है सिंपल ही है, है ना डिफिकल्ट नहीं है आपका ये जो छोटा नैरो बताओ कि कितना लिखा जा सकता है वैसे ही ये जो चौड़ा वाला है ना ये वाला जो है जिसका एल आर ज्यादा बड़ा था उसके अंदर एक्स इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है तो ये x y 3 4 लिखा जा सकता है है क्लियर बस हो गया आपका काम क्योंकि आपको यहां पे राइट right और लेफ्ट दोनों का ही इक्वेशन एक्स के टर्म्स में मतलब इन टर्म्स ऑफ वाई पता चल चुका है राइट सो आपके यहां पर कहानी क्या बताई गई थी थ्योरी में कि आपको कभी भी इस तरह का एरिया बाउंडेड अगर निकालना है ये वाला एरिया बाउंडेड अगर आपको निकालना है आप सीधा सीधा राइट माइनस लेफ्ट करोगे क्या करोगे राइट माइनस लेफ्ट तो राइट right में क्या है ये वाला है मतलब वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर माइनस लेफ्ट लेफ्ट वाला क्या है ये वाला है मतलब वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू चमका क्या यस yes, आपने राइट माइनस लेफ्ट कर लिया ले, लेकिन कहां से लेके कहां तक ले जाना है इसको माइनस वन से लेके वन तक ले जाना है ठीक है ये रहा आपका फाइनल आंसर इसको सॉल्व करो आपका आंसर आपके सामने आएगा यही चाहिए था हमें राइट माइनस लेफ्ट कैसे करते हैं एक एक चीज समझ में आ गई किसी को राइट माइनस लेफ्ट में ना अभी जो हमने अपर माइनस लोअर किया था यहां पे राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे अभी ये बताओ कि थ्री बाय फोर में से वन बाय टू कैंसिल होगा तो वन बाय फोर बचेगा एंड अगर आप यहाँ पे वन बाय फोर में से वन बाय टू कैंसिल करा दे तो आपके पास फिर से यहाँ पे

थोड़ा यहां पर जो बच्चे शॉर्टकट नहीं जानते उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा ना शॉर्टकट पढ़ेंगे तब कितने बच्चों ने ओरली किया ओरली किया क्योंकि यहां पर आपको वो वाला शॉर्टकट शायद दिखाई दे रहा होगा और अगर टू थर्ड वाला शॉर्टकट दिखाई दे रहा है तो आप यहां पे काफी जल्दी अपना आंसर बता सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्ट्री डेवलप होते जा रही है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने यहां पर अभी शॉर्टकट लगाना नहीं सीखा है ठीक है उनको यहां पर एटलीस्ट इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हम जब यहाँ पे बड़ी बड़ी अप्रोचेस का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल रहे थे तो हमारे साथ वाले इंसर निकाल के बैठ चुके थे शॉर्टकट का इस्तेमाल करके ठीक है और राइट सो दोज ऑफ यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई द शॉर्टकट है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए आगे का डिस्कशन ठीक है आपको यहाँ पर आ, आप हाँ अनुष्का बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं जिन भी बच्चों को शॉर्टकट नहीं पता है है ना दे आर मिसिंग आउट अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ठीक है शॉर्टकट ज़्यादा नहीं है एक दो ही शॉर्टकट लेकिन क्या लगता है मतलब मजा आ जाता है ठीक है दिल खुश हो जाता एकदम ये भले ही आप बोलो कि सर कितना तो सिंपल इंटीग्रेशन है क्या सर इसके लिए शॉर्टकट बताओगे हाँ यस क्योंकि इंटीग्रेशन कितना ही सिंपल हो ये फ्रैक्शन वगैरह की कैलकुलेशन अभी तो तब भी आपको ठीक लग रही है, है ना आपके फ्रैक्शन की कैलकुलेशन और घटिया हो सकती थी यहां पर जो है ये माइनस से लेके वन की जगह अगर यहाँ पे लेटर से माइनस हाफ से लेके हाफ होता या और गंदा यहाँ पे माइनस हाफ से लेके वन बाई होता अगर होता माइनस आपसे लेकर वन बाई थ्री ठीक है तो यहां पर आपके अपर लिमिट लोअर लिमिट लिमिटी गंदी गंदी बनती ना ठीक है कि आपके कैलकुलेशन में में एकदम जो है 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 हालत खराब हो जाती उस टाइम पे हमें शॉर्टकट ज्यादा हेल्प करता ठीक चलिए लेकिन अभी हम दो बेसिक आइडियाज अपने दिमाग बैठा चुके हैं एक ये कि अपर माइनस लोअर कैसे करते हैं अगर आपको समझ में आया है बहुत बढ़िया बात है अगर दिमाग में नहीं रहा है तो इसी क्वेश्चन को फिर से देख लेना कोई दिक्कत नहीं है आपका पूछा गया सवाल है मतलब एकदम हम अभी यहां पे जी लेवल की ही बातें कर रहे हैं ना ही कम ना ही ज्यादा ठीक ऑल राइट इस सवाल को समझना है सारे बच्चों को वैसे ही राइट माइनस लेफ्ट के लिए इस सवाल को समझना जरूरी है ऑल राइट पोर्टोटो में हमने शॉर्टकट डिस्कस किए थे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अगर आपने आपने जेएलडी के सेशंस हुए तो तो फिर तो आपने हाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है बिल्कुल सही बात है व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन इसको बताओ बेटा इसको बताओ शॉर्टकट कर भी करेंगे पहले हम यहाँ पे है ना अपने इन आइडियाज को एक बार कॉन्क्रीट कर लें दिमाग में लेट एस विद रीजन बाउंडेड बाय द कर्व कर वाइज टू एक्सक्यूब एक्सक्यूब आ गया अब यहां पे शॉर्टकट पक्के से नहीं लगेगा क्योंकि एक्सक्यूब के लिए हमने कोई शॉर्टकट नहीं याद किया है हमने शॉर्टकट यूजुअली यूजुलाज के साथ में याद किए ठीक है तो मतलब यहां पर सभी बच्चे मेहनत करेंगे चलो जल्दी जल्दी मेहनत करना स्टार्ट करो और इंटरेस्टिंगली ये भी आपका जय का ही सवाल है ठीक है ऐसा मत समझना कि यार जो है आप सर ये कोई दूसरा सवाल कर रहे हो शायद जय में तो हमेशा नोन करवाते हैं या फिर हमेशा पैराबुला जाता है ऐसा नहीं है में भी आपके यहां पे एक्सक्यूब जैसी चीजें कम से कम पूछी जा सकती है ठीक है

ओके एक्स क्यू ऐसा होता है ठीक है तो ये दोनों कर रहे हैं बीच में कुछ कुछ एंड आपको यहाँ पर इनके तो बनेगा ऐसा कुछ और ऐसा कुछ वी तो बनना है उस वी का लेकिन जो स्लोप है अब वो वन नहीं है वाई टू केस में आपके एक्स और माइनस एक्स आता है तो वहां पर आपके वी का स्लोप जो होता है वो Uh, के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपने स्लोप कितना कर दिया? टू कर दिया, दिया, टू तो थोड़ा स्टीपर भी यहाँ पर ये तो तो सही बात है अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस व्हाइट लाइन की वजह से दो टुकड़े तो देखो दिख रहे हैं कोई यहां पर जो है डाउट नहीं है इसके अंदर कि एक टुकड़ा ये ऑरेंज कलर से मैंने यहां पे शेड कर दिया है और ऐसे ही एक टुकड़ा यहाँ पर मैं है ना ग्रीन कलर से लेटर से शेड कर येलो से कर देते हैं चलो एक हम येलो से शेड कर ऐसे दो अलग अलग एरियाज हमें हाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं यहाँ पर आगे और क्या बोला गया है कि मैक्सिमम ऑफ आर वन इन दोनों में से जो बड़ा है वो आर है तो ठीक है हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज वाला बड़ा है तो इसको आर बोल देते हैं और ये जो ऊपर बन रहा है येलो वाला शेडेड रीजन इसको हम आर वन बोल देते हैं ठीक है ये हो हमारा R1. अब आपको हाँ पे इन दोनों एरियाज को कैलकुलेट करना है और इनका रेशो अल्टीमेटली यहां पे रिपोर्ट करना है राइट सो so, देखो टोटल एरिया तो निकालना सेंस बनाता ही यहां यस हाजी ऑल राइट चलिए सो आपके पास में यहां पर आ, अगर ओवरऑल एरिया निकालने का टास्क हो मतलब एस निकालने का अगर आपका यहाँ पे टास्क है तो आप कैसे बिगिन करोगे एस तो मेरे ख्याल से काफी आसान रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। S क्या है बेसिकली? इज़ द एरिया जो यहाँ पे आपका जो, है। ये, जो आपका कर्व है, ये वाला आपका ऊपर है अपर करूब करेक्ट है क्या आप यहां पे इन दोनों के बीच का एरिया निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट में एक जो है जीरो ऑलरेडी देख पा रहे हैं बिल्कुल सही बात है क्या आप यहां पे इनका अगला इंटरसेक्शन पॉइंट वन भी उतने ही आसानी से देख पा रहे हो वन वन बेसिकली एक्स इक्वल टू वन वाई टू वन इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वन वन उसको भी सेटिस्फाई करता है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है आप डायरेक्टली सॉल्व भी करोगे तो भी आपको यहां पर वन मिल ही जाएगा मतलब एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके वन तक अपर कर माइनस लोअर कर अपर कर में, में वाई की वैल्यू कितनी है बेटा अपर की वैल्यूअर वाई की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब है अपर माइनस लोअर इंटीग्रेट कर दो काम हो गया आधा एस आपका यहां पे आपके सामने आ जाएगा करें चलो इसको तो एस की वैल्यू कैलकुलेट होती है यहां पे इस तरीके से एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू एंड माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर इस पे लिमिट डालनी है जीरो से लेकर वन तक जीरो तो so मतलब uh, हम याद रखेंगे है इसका आएगा आगे चल के फाइव बाई ट्वेल्व आपके यहाँ पे ओवरऑल इस लीफ का एरिया है ये जो बन रहा है पत्ती जैसा फिगर

So, हमें यहां पर दिख रहा है कि हमें अपर कर माइनस लोअर कर करने से ये छोटा वाला एरिया मिल सकता है जिसको हमने यहां पे आर नाम दे रखा है बेसिकली आपका अपर अपर माइनस लोअर से निकलेगा में क्या आएगा इसी का y वाला value, इस कर का ये जो अपर है इसका वाई वाला वैल्यू कितना है रूट एक्स के बराबर है माइनस लोअर में इसका वाई वाला वैल्यू तो इसका वाई वाला वैल्यू कितना है टू एक्स के बराबर है अपर माइनस लोअर करना तो है लेकिन कहां से कहां तक जीरो से स्टार्ट करना है जाना कहां तक है वो भी हमने कैलकुलेट नहीं किया तो आपको यहां पर इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो इसका भी स्क्वायर 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 कर कर लो y दोनों साइड से से इक्वेट दो तो अगर आप यहाँ पे y पहले वाले से निकालते हो तो आपको फोर एक्स मिलेगा और फोर एक्स स्क् मिलेगा और दूसरे वाले से वाई स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी एक्स के बराबर है मतलब आपको यहां पर जो मिला है एक्स अपार्ट फ्रॉम जीरो मिला है वन बाय फोर के बराबर मिला है तो आपको इसका मतलब तक जाना है, आई बात आपकी जीरो से लेके वन बाई फोर राइट सो तो टू बाई थ्री के साथ में क्या आने वाला है पावर थ्री बाय टू मतलब एट कर लोगे ना कैलकुलेट वन बाय फोर का पहले क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालो वन बाई टू फिर क्यूब करो मतलब एट एंड यहां पर आप अगर डालते हो तो आपको मिलता है वन मतलब ये कितना हो गया यहां से ये चार कैंसिल होगा ये बारह बनेगा बारह और सोलह का एलसीएम बेसिकली कि कितना आ जाएगा बारह और सोलह का एलसीएम तीन चार चार आएगा तीन चार चार ठीक है तीन चार और एक और चार यहां से तो एक तीन एक चार मतलब एलसीएम में चार ऊपर जाएगा दो चार मतलब एलसीएम में एक तीन ऊपर जाएगा तो ये ओवरऑल आपका जो आर वन है कैलकुलेट हो गया वन बाय कितना आया फोर्टी एट के बाद

क्लियर सवाल नाइनटीन आंसर निकाल पाए हैं आप लोग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चमका बढ़ जाए आगे हाँ जी। हम्म बहुत बढ़िया कृतार्थ आपका लॉजिक बिल्कुल सही है टोटल एरिया में से हम यहां पर जो है एरिया बाउंडेड बाय ये जो है निकाल लेंगे है ना तो आपके उसमें आटो आ जाएगा और फिर यहां पर आपको रेशो रिपोर्ट करना है नाउ पॉइंट इज कि आपके लिए यहां पे कोई सा भी कैलकुलेशन कोई सा भी स्टेप कोई सा भी फिगर बनाने का यहां पे जो थॉट है वो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन एरिया के क्वेश्चंस को आप यहां पे प्लीज अपने आप से करके देखना आपको अगर आता भी है एरिया तो भी आप करके देखना आप एक साथ जो है बीस सवाल लेके बैठना और देखो कि वो ट्वेंटी क्वेश्चन करने में ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगा ठीक है क्योंकि एक 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 सवाल को अगर आप यहाँ पे टाइम में मेजर करोगे तो आपको ऑन एन एवरेज टाइम पता नहीं चलेगा आप कम से कम 20 सवाल लेके बैठो है ना जिसमें मिक्स से अच्छा 20 सवालों का और आप उनको सॉल्व करके देखो कि आपको कितना समय लग रहा है क्या आप उसको एक घंटे में कर रहे हो या या उसको उसको 40 मिनट मिनट में में कर रहे में कर रहे रहे हो हो ठीक है ये आपको देखना पड़ेगा राइट क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा आपके एरिया में क्या है स्पीड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है राधर देन है ना कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो भाई हो ही जाती है इंटीग्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट इन दीज क्वेश्चन वॉट इज डिफिकल्ट इज बेसिकली स्पीड uh, कि आप कितने जल्दी जल्दी यहां पर जो है अपने फिगर बना के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो और फिर अपना कैलकुलेशन करते हो ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक right. uh, लग रही है हाँ जी हाँ तो उसको सुधार लो अभी अभी जो है अभी आपके सामने जो नंबर्स मेरे ख्याल से अभी प्रकट हुए हैं वो सारे नंबर्स तो सही हैं ठीक है तो इसका आंसर 19 ही है है ना एक बार क्रॉस चेक कर चुका हूं मैं पहले कोई दिक्कत नहीं आप भी एक बार जो है अपनी कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना ठीक है सो नाउ लेट अस कम टू दिस दिस इंटरेस्टिंग फीचर चैप्टर जहां पर हम बहुत ही शानदार तरीके से अपनी थ्योरी में ही शॉर्टकट्स पढ़ रहे होते हैं यूजुअली आपने देखा होगा कि मैं शॉर्टकट ज्यादा प्रमोट करता नहीं हूं एंड मैं मानता हूं ये बात कि अगर आप थ्योरी सही तरीके से पढ़ लो तो शॉर्टकट खुद से आपको यहां पर जो है लगाते आ जाते हैं है ना मतलब आप खुद ही सोच लेते हो कि यार चलो इसके अंदर मैं एन की वैल्यू वन लेता ले हूँ थी की वैल्यू जीरो डिग्रीज ले लेते हैं नाइनटी डिग्रीज ले लेते हैं ऐसे जो बकवास से शॉर्टकट्स होते हैं ठीक है वो तो मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे खुद से ही सोच लेते हो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस चैप्टर के शॉर्टकट बहुत स्पेशल है ठीक है क्योंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यार अगर हम छोटा छोटा इंटीग्रेशन भी अगर कर रहे हैं ना तो भी टाइम लगता है यहां पर हमें जो है दो बार छोटे छोटे इंटीग्रेशन करने पड़े अपर माइनस लोअर अपर माइनस लोअर के तो समय लगा कितना अच्छा होता कि हमारे पास में कोई ऐसे तरीके होते कि यार बिना इंटीग्रेशन के आंसर निकला था तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कुछ सीनारियज में फॉर्मेस याद रखने पड़ेंगे एक सीनारिय तो ये है कि आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स होते हैं उन स्टैंडर्ड फिगर्स के आप यहाँ पे ऑलरेडी जो एरियाज हैं उनको याद रखो ठीक है जैसे कि अब ट्राइंगल तो हमने ऑलरेडी एक यूज भी कर लिया है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट पहले वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था और ये आप करोगे ही करोगे आपको कहीं पर भी एक ट्राइंगल दिखना है अच्छा सा और आप हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से उसको या आइडिया कर सकते हो तो हमने इस आइडिया का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है भी सारे बच्चों को बता होगा अभी हम जे का एक सवाल करेंगे हाफ ऑफ थीटा ट्रिनोमीटर में आपने फॉर्मुला पढ़ा है एंड एलि का फॉर्मुला बैठा अगर आपको याद नहीं है तो इसको डेफिनेटली याद कर लू पाए टाइम्स ऑफ एबी याद रहेगा पाए टाइम्स ऑफ ए बी आपका यहां पर जो है एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला है क्सर ओपन ए स्क्स वाई स्कोर ओपन बी स्क्ट वन और राइट और इसके ऊपर एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये भी है कि सवाल आया हुआ है ठीक है और पुराना नहीं बहुत ही लेटेस्ट इसी साल का सवाल आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो आप यहां पर क्या ध्यान रखोगे कि आपके कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मेज हैं और और भी यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेज आपको याद है तो वो सारे लगा सकते हैं कहीं पर आपको स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर को इस्तेमाल कर लेना है ना लेकिन वो क्या यहां पे लिखा हुआ नहीं मेजरली इन चीजों को तो आपने इस्तेमाल करना होता ही है सो लेट अस लुक एट अ क्वेश्चन जहां पर आपको ये जो आइडिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेज इस्तेमाल किए जाते हैं उसका आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा एरिया का ही सवाल है और ये सच में आया है सवाल ठीक है मतलब यहां पे एक जगह तो आपके सवाल ऐसे आ रहे हैं किसी एक शिफ्ट के अंदर जिसमें आपको इंटीग्रेशन करके ही आंसर निकालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है और एक ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है किसी दूसरी शिफ्ट में जहां पर आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर बताते हैं ठीक है थीके? तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है ठीक है देखो यहां पर पहले क्या कर रहा है, कि कर रहा है कि ए बड़ा है एक्सक्न एन बी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच आपका बनने वाला है ठीक right. so, तो है ही लेते हैं इसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि एक बार तो आप यहां पे एक इस तरह का फिगर प्लॉट करो एक इस तरह का फिगर प्लॉट करो अब यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाती है इनइक्वालिटीज इन इक्वालिटीज के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि इनइक्वालिटी की इनिशियली तो चिंता करनी ही नहीं होती अगर आपने इसके पहले इनक्वालिटीज को यहां पे हैंडल नहीं किया है तो आज ही हैंडल करना सीख लो इन अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे रही है आपको प्लॉट इन थोड़ी करनी होती है प्लॉट तो आपको पहले इक्वालिटी ही करनी होती है तो आप अगर यहां पर इक्वालिटी सोचोगे तो आपको क्या दिखेगा एक्स स्क्सर इजक्ल टू ए स्क्वेयर ये तो सर्कल का इक्वेशन है ये देख के तो डर किसी को नहीं लगता ये तो सर्कल का इक्वेशन है और यहां पर आपका रेडियस ए के बराबर है तो आप इस तरह का एक सर्कल प्लॉट करोगे X² plus Y² equal to A². सही बात है All right. उसके बाद में यहां का इलेप्स वो ठीक प्लॉट किया है एक्सक्र ए स्क्र प्लस वाइ स्क्ट बी स्क्र इक्वल टू वन आपने यहां पर प्लॉट किया है अब हम यहां पर जब बाउंड्रीज प्लॉट कर चुके हैं इक्वालिटी प्लॉट करने से क्या होता है बाउंड्री आ जाती है ये एक बाउंड्री आ गई ये एक बाउंड्री आ गई है ना अब इन बाउंड्रीज के अंदर बाहर कहां जाना है वो हमें पे बेसिकली नोटिस करना होता है तो सर्कल वाले केस में आपको यहाँ पे लेस देन का साइन दिख रहा है मतलब सर्कल के के अंदर Blue वाले region के अंदर ब्लू वाले रीजन ठीक है और येलो वाले पे आपको ग्रेटर देन साइन दिख रहा है मतलब यहां पे येलो रीजन के बाहर तो सर्कल के अंदर और येलो रीजन के बाहर मतलब आपका जो यहाँ पे बाउंडेड एरिया है वो ये वाला कुछ तो क्रिएट होगा और ये जो आपका बाउंडेड एरिया है इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है आप

अब अगले वाले को देखते हैं अगले वाले में आपने हाँ पर सर्कल बनाना है लेकिन आप देख पा रहे हो आपको लेकिन अब आप करना क्या है इस सर्कल में ग्रेटर मतलब सर्कल के बाहर जाना ठीक है और इलिप्स में लेस देन का अंदर आना है मतलब इस बार आपका जो रीजन आ रहा है वो ग्रीन वाला ये वाला रीजन फिर से आप इसको बता सकते हो कि, तो कि आप आप इसके अंदर तो टोटल एरिया था उसमें से, उस से आपने छोटे सर्कल का एरिया मतलब स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ये दिया हुआ है आपको कितना 18 पाई के बराबर। तो भाई पहली बात तो कि दोनों साइड से पाए 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 उड़ाओ पाए 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 उड़ाओ और अब यहां पे देखो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है आपसे ए माइनस बी का होल स्क्सट्रैक्ट करके वो आ जाएगा? Yes. इन दोनों को करके क्या? आपका आ जाएगा अगर आप इनको सब करते हो ठीक है तो क्या आने वाला है करके आपके पर बारह आने वाला है और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क् माइनस टू ए बी ही आएगा मतलब बी का होल आने वाला है

वर्टेक्स करना नहीं, सिमेट्री होनी है अगर आपका वर्टेक्स दोनों का से पे है, है ऐसे कुछ आप इनिशियली मान के चलो और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं है और इनके जो आपके एक्सेस है वो परपेंडिकुलर है। है एक कंडीशन होनी चाहिए आपके यहाँ पे, आपके हाँ पे जो वर्टाइसेस है वो सेम होना चाहिए और आपके जो एक्सेस है वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए राइट सो एक सिंपल सा है इनके बीच में जो एरिया आपका यहां पर बन रहा है ये जो लीफ आपकी यहां पे क्रिएट हो रही है इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कई बार ये चीज आपको इस्तेमाल आ जाती है यहां से लेके यहां तक तो जो व्हाइट कलर का शेडेड रीजन है वो डायरेक्टली सिक्स ए बी अपॉन थ्री से निकलता है और अच्छी बात यह है कि सिक्सटी ए बी अपॉन थ्री को भी आप थोड़ा अच्छे तरीके से यहां पे लिख सकते हो सिक्स ए बी अपॉन थ्री को आप बोल सकते हो बेसिकली फोर ए इंटू फोर बी अपॉन थ्री ठीक है ये अब डायरेक्ट रिजल्ट कैसे निकला है ये कोई मतलब आसपास से नहीं टपका है आपने सच में यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला एक इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो कैलकुलेट कर लो उसके बाद ऐसा कर, तो आंसर बनता है अब क्योंकि ये चीज कई बार इस्तेमाल हो जाती है और ये रिजल्ट याद रखने में आसान है इसीलिए इसको हम शॉर्टकट बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि इसको याद रख लो ठीक है अगर ऐसा लग जाता है तो आपका समय बचेगा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट पहले तो बहुत खूबसूरत नहीं आने वाले अपर कर माइनस लोअर करोगे तो वो भी बहुत खूबसूरत नहीं आएगा लेकिन फाइनली जब सब कुछ सोल्व करोगे तो आंसर अच्छा आएगा तो इसको याद रखने में बेनिफिट है इसलिए हम इसको शॉर्टकट टू बोल रहे हैं यहां पर अच्छी बात क्या है फोर ए फोरबी की जैसे इसको देखने में अच्छी बात क्या है कि जो लीनियर का कोइफिशियंट है वही आपको चिपका देना है यहां पे इसका मतलब पैराबोला में लीनियर का जो कोइफिशियंट है वही आपको यहां पे चिपका देने होते हैं मल्टीप्लाई करके थ्री से डिवाइड करना है ठीक है तो याद रखना है बहुत आसान ऐसे ही अगला शॉर्टकट आप यहां पर देखो कि अगर आपके पास में यहां फिगर इस तरीके से है कि लाइन और पैरोबोला इंटरसेट कर रहे हैं और क्या ऐसे कुछ फिगर इसके पहले बना था किसी क्वेश्चन में जहां पर मैं आपसे कह रहा था कि क्या किसी को शॉर्टकट दिखा अगर आपके पास में अगर आपके उसमें वाई इज एमएक्स जो आपकी लाइन है वो या तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला को कट करती है Y2 4X को या फिर वो एक वर्टिकल पैराबोला को कट करती है एक्स कोरिटू फोर ए वाई को तो दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे है ना बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो जैसे कि इसका अगर कर कैलकुलेशन करना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे समझ रहे हो लेकिन अगर एग्जाम में हमारा एक मिनट भी बचता है और हमें अगर टेंशन नहीं है कि कैलकुलेशन सही है कि गलत है तो ये काफी बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मुझे लगता है कि आपने ये भी याद रखना चाहिए ठीक है कि अगर आपके पास में यहां पर ए दिख रहा है यहां से आपको एम दिख रहा है ठीक है इस एरिया को कैसे लिखेंगे एट ए स्क्वा स्क्वायर अपॉन थ्री एम क्यूब और अगर आपका यहां पे वर्टिकल हो गया पैराबोला तो बस एम क्यूब ऊपर चला जाएगा एट ए स्क्वायर एम क्यूब अपॉन थ्री बस थोड़ा सा एफर्ट यहां पर मारो लेकिन यह चीज याद रख लो वर्टिकल के साथ में एम क्यूब ऊपर होता है हॉरिजॉन्टल पैराबोला के साथ में यहां पे एम क्यूब आपका नीचे होता है ठीक याद रहेगा, upon and upon 3. बाकी पूरा है जो हमने सबसे पहले इस क्लास में किया। उस question को करने में आप जाके देखना कि हमें हाँ पर कितना समय लगा था और हमें कितने बार यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ा था राइट right? यहां पर देखो कि आप क्या बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो कि यार ये जो आपका पहला वाला एरिया था ना हम इसके ऊपर दिमाग क्यों मारे समझो आपके पास में एक right राइट एक्स तो ऐसा लिखा जा सकता है आपके यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है दो के बराबर है एंड आपका जो लाइन है वो वाइजल टू एम एक्स जैसा नजर आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्लो जैसा नजर आ रहा है तो यार ये तो कॉम्बिनेशन अभी अभी पढ़ आपका पैराबोला है और हम इंटीग्रेशन क्यों करें हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मुल लगा सकते हैं कि यार इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर आपका निकल कर आएगा एट ए स्क्वायर मतलब फोर एट ए स्क्वा स्क्वायर अपॉन थ्री एम क्यूब एम का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा रूट टू का क्यूब मतलब टू रूट टू यस इज दैट क्लियर एवरी वन कितना हो गया आप रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर बनेगा है ना तो आपका ओवरऑल यहां पर जो एरिया का आंसर बनता है दैट इज कुछ नहीं किया है आपने बस देखा शॉर्टकट लगाया और आपका आंसर आ गया राइट एट रूट टू अपॉन थ्री जबकि अगर आप अपने पिछले सॉल्यूशन को अगर जाके देखोगे तो यहां पर आपको अपर माइनस लोअर करना पड़ा था भले ही छोटा था बड़ा था मेरा तो वो सवाल ही नहीं है करना पड़ा था यस yes, इंटीग्रेशन करना पड़ा था ठीक है अपर माइनस लोअर अपर माइनस लोअर करके हमने यहां पे अल्टीमेटली जनरेट क्या किया था एट रूट टू अपॉन थ्री ही जनरेट किया था ना ठीक है और यहां पर अगर ऐसा फिगर आपको तो आगे से दिखाई देगा तो कॉन्फिडेंस आएगा एक राइट right पैराबोला है एक लाइन है फॉर्मुल लगाओ आंसर आता है उसके बाद में ये तो भाई आपको कैलकुलेशन करते आई रही थी वैसे भी इसके एरिया में किसको दिक्कत थी ये आपका स्टैंडर्ड वाला शॉर्टकट है ये अगर आपका फिगर ट्राइंगल है, है नो, फिगर है 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 ना कोई ट्रेपेजियम तो डायरेक्टली आप यहाँ पे हाफ ऑफ हाइट जैसे लगा सकते हो तो ये पूरा क्वेश्चन इसका मतलब शॉर्टकट से ही हो जाएगा आपका इज दैट राइट बात समझ में आई तो आप यहाँ पे बेसिकली ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फिर से करोगे तो वही काम इसमें कोई डाउट नहीं है राइट एंड क्योंकि आप एक बार देख चुके हो तो मैं यहाँ पे फिर से उस कैलकुलेशन को दिखा नहीं रहा हूं लेकिन हाँ इसके छोटे वाले एरिया को निकालने के लिए छोटे वाले एरिया को निकालने के लिए आप यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे और राइट एंगल ट्राइंगल होने का फायदा उठाओगे ठीक है चलिए आई थिंक द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू मेक इज क्लियर टू एवरी वन विदकट वी कैन एक्चुअली गेट टू द एंसर्स डिरेक्टली राइट एंड हियर कम्स हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप अभी तक कर क्या रहे थे है ये है ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज और अगर पता है लेकिन तब भी आप परेशान हो जाते हैं कि सर लगाए कैसे तो भी आपने थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी ठीक है क्योंकि अगर आप यहां पे अपने पीवा देखोगे बहुत सारे PYQs, है ना इस एक शॉर्टकट की बदौलत सॉल्व हो जाते हैं दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बाप्स ऑफ ऑल शॉर्टकट ठीक है स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर अगर आपके पास एक पैराबोला है और एक एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन उसको कट कर रही है ठीक है ऐसा आपने अगर इमेजिन किया तो एक एरिया कंस्ट्रक्ट होगा इनके बीच में ये वाला जो एरिया है अगर ये कोई आपसे पूछे तो भाई आप मतलब उछल पड़ना जेई का पेपर लिखते लिखते उछल पड़ना आप सच में क्योंकि ये है सबसे आसान और सबसे बढ़िया शॉर्टकट क्योंकि आपको अगर इस एरिया को बताना है तो आप क्या कर सकते हो आप उस लाइन के पैरल है ना अपने टेंजेंडेड वर्टेक्स को फील कर पा रहे हो क्योंकि हमने यहां पर जो लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया है वो क्या है कि लाइन आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है अगर लाइन आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वर्टेक्स भी एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होता है तो ये दोनों चीजें आपकी पैरल है तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप ड्रॉपेंडेड वर्टेक्स पे डालते हो तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक रेक्टेंगल दिखाई देता है क्या दिखाई देता है एक रेक्टेंगल ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दिया इंटरसेक्शन पॉइंट पी एंड क्यू आपने निकाले परपर्टिकुलर ड्रॉप ए और बी निकाले तो ये जो रेक्टेंगल आपका यहां पर अभी बन रहा है ए पी क्यू बी इसका एरिया निकाल के आप अगर टू थर्ड कर देते हो इसका एरिया निकाल के अगर आप टू थर्ड कर देते हो तो आपके पास में सच में शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है ठीक है समझ रहे

आप डायरेक्टली तो uh, well. अगर आपको यहां पे जरूरत पड़ती है कि नहीं बस इतना ही चाहिए था सर मुझे तो आप क्या करूं कोई बात नहीं आप यहां पे अपना रेक्टेंगल वैसा बना दो आप अपना रेक्टेंगल भी आधा कर दो कोई दिक्कत नहीं है इस बार आप इंटरसेक्शन पॉइंट से

तो अगर आपको पूरा फिगर चाहिए तो पूरे रेक्टेंगल के टू कर लेना। आधा फिगर चाहिए आप यहां पे ये मत समझो कि इसके अंदर कोई बहुत अलग कलाकारी हुई है ऐसा नहीं है यहां पर ये सॉल्व ही किया है हमने यहां पे है ना कि हमने ये देखा कि अच्छा ठीक है आपकी लाइन एक्सिकुल टू के होगी आपका होगा फिर हम यहां पे एरिया बाउंडेड अगर निकालेंगे तो कितना आएगा तो हमने उसको देखा फिर हमने रियलाइज किया कि यार ये तो रेक्टेंगल का टू थर्ड तब जाके हमने इसको शॉर्टकट बनाया लेकिन अब एक बार बना लिया है तो हम पीछे पलट के नहीं देखेंगे अब बात समझ में आ रही है अब हमने क्योंकि शॉर्टकट बना लिया है तो अब इसको केवल अप्लाई करेंगे ठीक है यस पूरे का वन थर्ड भी कर सकते हैं हाँ पूरे का वन थर्ड भी कर सकते हैं लेकिन क्या है एक ही चीज याद रखो जो फिगर चाहिए उससे बनने वाले रेक्टेंगल का टू थर्ड जो फिगर चाहिए उससे बनने वाले रेक्टेंगल का टू थर्ड तो क्या कंफ्यूजन नहीं का है ये मुझे आसान लगता है।, और इसमें क्या, नहीं का है, है लेकिन इस बार हम करेंगे विदाउट इंटीग्रेशन याद है हमने यहां पर राइट माइनस लेफ्ट के फंडे को सही तरीके से समझने के लिए इस्तेमाल किया था लेकिन अब मुझे बताओ कि यार अगर आपको यहां पर यह पता चल गया है ठीक है कि यार ये जो पर्टिकुलर है

लेकिन सिमेट्री यहां पे भरपूर है सिमेट्री की दिक्कत नहीं है तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक्सैक्टली exactly, है ना आपकी वर्टिकल लाइन से कनेक्ट हो जाना चाहिए थे नहीं भी भी हो रहे हैं तो भी आप यहाँ पे है ना थोड़ा कर कर लेना लेना काम चला लेना, देना मतलब ज्वाइन जैसे तैसे ये वर्टिकल बेसिकली आपका कनेक्ट हो रहा होगा सिमेट्री है ना क्योंकि तो आपको यहां पर अभी जो चाहिए एरिया है ना उसके लिए हम यहां पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि यार कोई शॉर्टकट लग सकता है क्या अब ऐसे किसी भी सवाल में जहां पर आपका पैराबोला इन्वॉल्व है आपने कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्टकट लग जाए क्योंकि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको एग्जाम में शॉर्टकट दिखेंगे अदरवाइज शॉर्टकट कर अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा है ना शॉर्टकट कर अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस चाहिए हमें क्योंकि बहुत ही सही चीज है मतलब मतलब फेवरेट चीज है मेरी अगर आप यहां पे वर्टेक्स टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे किसकी टेंजेंट रेट वर्टेक्स लिए हमने येलो वाला जो आपका यहां पर पैराबोला दिखाई दे रहा है ध्यान से देखो येलो वाला जो आपका पैराबोला दिखाई दे रहा है आपको जो नैरो पैराबोला है उसके वर्टेक्स में मैंने एक टेंजेंट बनाई है और इंटरसेक्शन पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप देख रहे हो तो आपके ये जो लाइन है ये कैसी है वर्टिकल है सिमेट्री की वजह से यहां पर ये वर्टिकल है राइट right? यहाँ पे भले ही दो पैराबोलास दिए हैं आप बोलोगे सर यहाँ पे ये यह जो शॉर्टकट है ये तो पैराबोला और लाइन के लिए है नहीं ऐसा नहीं है फिर तो आप बहुत कम जगह लगा पाओगे क्योंकि इतना इतना सुंदर सुंदर फिगर फिगर मिलेगा आपको कि एक और एक पैराबोला है है और वर्टिकल लाइन कहीं नहीं मिलने वाला ठीक लेकिन हम क्या है उस तरह का फिगर विजुलाइज करने की मैक्सिमम कोशिश करते तो मैंने ये देखा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे सिमेट्री की वजह से जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ये बेसिकली एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है मतलब मैं अगर यहाँ पर ये काम करता हूँ कि ये जो ब्लू कलर का मेरे पास में एक रेक्टैंगल आ सकता है उसका अगर मैं टू थर्ड कर दूं, तो मेरे पास में कौन सा एरिया आएगा क्या मेरे पास में व्हाइट एरिया आएगा नहीं मेरे पास में व्हाइट से कुछ ज्यादा एरिया आएगा व्हाइट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा एरिया आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपको ये वाला भी एरिया एक्स्ट्रा येलो वाला इसके अंदर मिलेगा जब आप यहां पर टू थर्ड कर दोगे तो लेकिन वो जो येलो वाला एक्स्ट्रा एरिया है वो हम सब्रैक्ट करवा लेंगे ना क्योंकि वो एरिया भी काफी जाना पहचाना लग रहा है वो एरिया भी ऐसा ही फील हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं अपने अगले वाले पैराबोला के टेंजेंट को भी यहां पे कर सकते हैं अगले पैराबोला को यहां पर पकड़ो ठीक है उसका आप यहां पर टेंचेंट एट वर्टेक्स बनाओ और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो ठीक है अब इनिशियली हो सकता है कि आपको लगे कि सर इससे अच्छा तो राइट माइनस लेफ्ट का इंटीग्रेशन कर लिया तो हमने इतनी देर में लग रहा है तो आप गलत हो मैं पहले से बता दूं अगर आपको लग रहा है कि आप इतनी देर में तो राइट का करके नक्की हो पहली बात तो आप यही करोगे इंटीग्रेशन में, में हाथ डालते तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में डील करना पड़ता है ठीक है यहां पर क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है सीधी है तो यहां पर आंसर भी सीधा सीधा ही निकल कर आता है मैं कह रहा हूं कि आप पहले ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका टू थर्ड करोगे तो आपको ये बड़ा वाला एरिया एरिया बाउंडेड मिलेगा करो बड़े वाले रेक्टेंगल के का उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों ने यहां पे निकाल रखा था मेरे ख्याल से यह आपका वन होता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका वन है ये आपका कितना है ये आपका जो वर्टेक्स है ये थ्री बाय फोर पे है और ये वर्टेक्स आपका वन बाय टू पे है तो अगर आप यहां पे देखते हो कि आपने कितना width करना है का, का रेक्टेंगल की बात करता हूं क्या क्या आ रही है अगर आप वन डालते हो तो वाई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है प्लस वन माइनस वन ठीक है मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका, आपका दो यूनिट के बराबर है तो आपको यहां पर बेसिकली टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देना है बस और उसमें से क्या सप्ट्रैक्ट करना है उसमें से करना है आपको ये छोटे वाले का एरिया ये जो छोटा वाला आपका डी जैसा फिगर बन रहा है ये जो डी जैसा आपका छोटा फिगर बन रहा है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इस रेक्टेंगल को स्टडी करो ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है आपका उसको अगर आप यहां पे स्टडी करते हो तो यहां पर आपको टू थर्ड किसका करना है टू थर्ड करना है बेस कितना है यहां पर आपका जो विड्थ है वो कितना है ये जो विड्थ है आपके रेक्टेंगल का वो थ्री बाय फोर से लेके वन मतलब वन बाय फोर का विड्थ है और हाइट तो अभी भी दो के ही बराबर है यस yes. और ये रहा आपका आंसर ठीक है दिस इज क्वेश्चन एक बार चेक कर यस yes. ऐसे कुछ आप लोगों ने पहले भी किया था टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री वन बाई थ्री आंसर आ गया, समझ रहे हो तो आप यहां पे इस तरह से अपने जो है शॉर्टकट को विजुअली देखने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अगर आप कोशिश करोगे तो दिखेगा अगर आप कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली दिखेगा क्लियर हो गया मैथ्स मैथ्स में में पहली बार मजा मजा आ रहा है 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 क्या बात है यार? बात यार बहुत ही बढ़िया डेफिनेटली आएगा जैसे जैसे हमारे यहाँ पे आंसर निकलते जाते हैं वैसे से हमें यहाँ पे मैथ्स में मजा आना शुरू हो जाता है ठीक है आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो है सारी चीजें दिखाई दे रही थी ठीक है हमें जो निकालना है वो एरिया तो कितना है ये व्हाइट वाला ही है लेकिन हमने जो यहाँ पे शॉर्टकट लगाया है आई होप सारे बच्चों को यहाँ पर

ये भी आपका इसी साल का सवाल है और देखते हैं यहां पर जल्दी कौन आंसर करके बता सकता है लेटस लेटस स्टार्ट क्विक टाइमर है ना लेटस सी काउंट ऑन बिगिन करते हैं एक मिनट में देखो करके बता सकते हो क्या कैन यू गैस टेल मी इन वन मिनट की इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ट्राई करो आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाली अगर आप जे लाइव डेली की बात करें जे लाइव डेली के वेक्टर्स अभी, अभी हमने यहाँ पर वेक्टर थ्री पूरा कंप्लीट किया है ठीक है अगर आप पूरा सेशन भी देख लोगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वैक्टर थ्री डी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर से तीन क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है थेके? तो आपके समय अगर समय है है ना आप यहाँ पे सच में अपने जो है लेवल को बेसिक से उठाना चाहते हैं ठीक है देन आई वुड रिकमेंड जे लाइव डेली आप जाके देख सकते हैं ठीक है ऑलराइट right. एक मिनट यहां पर हो चुका है कोई है ऑलराइट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो यहां पर आंसर ऑलरेडी बता रहे हैं 32/3 आप यहां पे आंसर बता रहे हो ए आंसर इतने सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं ओके okay. हां जी इतने सारे बच्चों को ये आंसर आ रहा है अरे बाप रे, क्या ये गलत है क्या ये सही है चेक करना पड़ेगा आप लोगों ने कुछ तो मुझे लगता है कि यहां पे गड़बड़ करी है शायद इतने सारे सारे बच्चे यही आंसर बता रहे तो ये सही है क्या सारे बच्चे ये आंसर बता रहे वेदांत सी बता रहा है देवांश सी बता रहा है ओके बाकी सब सब लाइन से ये बता रहे हो चलो अब एक बार ट्राई करके देखते हैं यहां पर क्या आंसर आएगा आकाश बी बता रहा है आयुषी बी बता रही है ठीक है तो आई थिंक आई थिंक इसका आंसर एक्चुअली सी है इतने सारे बच्चों ने गलत कैसे किया इस क्वेश्चन को कैसे ये गलत एक मिनट एक के अंदर गलत करने लायक सवाल था नहीं वैसे ही ठीक है आपके इसमें क्या है देखो आपके बनेगा ऐसे कुछ बन जाएगा और राइट और क्या है वाइस प्रेसिबल टू ये वाला फिगर है ये वाइस प्रेसिबल टू जो भी फिगर है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा

शॉर्टकट uh, है, है ना उसकी फील क्लियरली समझ में आ जाएगी मुझे है बताओ कि आपके आपको या फिर आप क्या कर सकते हैं आप इस व्हाइट वाले का डिस्कशन अलग से कर लो क्यों क्योंकि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल सकते हो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलेगा और उस रेक्टेंगल का टू थर्ड कर लेना और वैसे ही आप यहाँ पे येलो वाले

मैं अल्टीमेटली यही करने वाला हूं कि इस तरफ वाले रेक्टेंगल का टू थर्ड करके और इस तरफ वाले रेक्टेंगल का two -third करके अल्टीमेटली एड करने वाला हूं तो डायरेक्टली इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के टू थर्ड कर दें तो भी चलेगा तो शॉर्टकट पे शॉर्टकट महा शॉर्टकट पहले बताओ कि इसका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है इंटरसेक्शन तो मेरे ख्याल से आसानी से निकल के आ ही जाएगा आपका आप यहां पे इनको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका 8x किसके बराबर है -16 टाइम्स ऑफ x 3 तो ये आपका 16 दो टाइम्स कैंसिल होगा मतलब x इक्वल टू कितना हो रहा है माइनस टू एक्स एंड प्लस सिक्स हो रहा है तो थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इक्वल टू टू हो रहा है एक्स इक्वल टू टू है यहां पे, यहां पे आपका एक्स इक्वल टू टू है ठीक है ये आपका जीरो है और ये आपका बेसिकली जो वर्टेक्स है ये कितना है ये वर्टेक्स आपका थ्री पे है राइट right. सो so आप ओवरऑल करो ना बस ओवरऑल आप मुझे बताओ यहां पे है ना टू पे आप यहां पे हाइट भी बता दो एक बार किसी भी एक कर्व में डालो फोर एंड माइनस फोर बनेगा तो आपकी जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल की जो है, यहां से यहां तक अगर आप देखते हो तो ये तीन के बराबर है इस एरिया कितना हो जाएगा? उसका टू थर्ड कर लो दिख रहा है को दो स्टेप में यहां पर वैसे ये सवाल हमने करना चाहिए आइडियली लेकिन हमें क्योंकि यहां हम पर दिख रहा है कि यार दोनों रेक्टेंगल करेंगे और रेक्टेंगल का एरिया साथ में निकाला जा सकता है तो क्यों वही कर लें यस yes. फील आई शॉर्टकट की फील आई कि नहीं आई शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि जब तक आप यहां पे है ना इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तब तो तक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इस तरह के मेथड्स प्रैक्टिस करने का आपका यहां पर जो है आ, मन नहीं करेगा ठीक है ओके आप कॉलेज में हैं तो क्या आप यहां पे लेक्चर देख सकते हैं अच्छा इंटीग्रेशन करके नहीं होगा क्या बिल्कुल होगा इंटीग्रेशन करके राइट माइनस लेफ्ट से आप यहां पर कर सकते हैं है ना All right. आप यहां पर बिल्कुल कर सकते हैं राइट माइनस लेफ्ट से भी आपका यही आंसर आना चाहिए ठीक है चलिए कॉलेज में है तो कैलकुलेशन भी सही करें कॉलेज में है तो कैलकुलेशन भी सही करें ठीक है इसका आंसर सिक्सटीन ही सही है आप यहाँ पे है ना कुछ और अगर आंसर निकाल रहे हैं तो कैलकुलेशन चेक कर लेना क्या दिक्कत है उसके अंदर ठीक है कौन है तो बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और इस तरह के और भी शॉर्टकट्स लगाने वाले क्वेश्चन हम करेंगे ग्राफ में यहाँ पर दिक्कत आ रही है ओके ग्राफ में दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसका इस्तेमाल मैंने यहां पर किया हुआ है ठीक है यहां पर वाइक फोर एक्स राइट ओपनिंग होता है लेफ्ट ओपनिंग होता है ब्रैकेट्स इक्वल टू जीरो करने से आपका वर्टेक्स पता चलता है इसका वर्टेक्स जीरो जीरो है दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ पर मैं जीरो करता हूं तो वाई की वैल्यू तो जीरो आती लेकिन एक्स की वैल्यू थ्री आती है इसका वर्टेक्स है लेफ्ट ओपनिंग है वो राइट ओपनिंग है

कर ट्रेसिंग एंड ग्राफिकल ट्रांसमिशन वाला जो आपका यहां पे एक आइडिया है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए होना चाहिए अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस आपने एग्जाम में पहली बार में नहीं उठाने चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो क्योंकि आप अगर यहां पर किसी भी सवाल को ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप मतलब किसी सिंपलर क्वेश्चन को शायद है ना छोड़कर आने वाले हैं ठीक है सो आपको अगर कर्व ट्रेसिंग और यहाँ पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे कॉन्फिडेंस है तो ही आपने एरिया के इस तरह के क्वेश्चंस उठाने चाहिए ठीक है लेकिन हाँ आपके यहाँ पे कुछ कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड आइडियाज है जो दिमाग में रखना एकदम जो है मतलब बहुत ही आसान राइट क्या है वो आइडियाज की आपका यहाँ पे ग्राफ जो है आपको यहाँ पर क्योंकि क्या होगा ना कि आपके पास में यहाँ पर ऐसे कुछ कर्व आ जा जाएंगे जिनको आपको खुद से ट्रेस करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर बच्चा बोल रहा था कि सर यहाँ पर पता नहीं चला हमें कि यार ये ग्राफ आपने कैसे बनाया ठीक है तो वो कहीं ना कहीं यहां पे ऐसे सवाल अगर आ जाए जहां पर किसी ने भी वो कर पहले देखा हुआ नहीं है तो फिर तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है पैराबोला तो ठीक है, है? Right. So, <coughs> कुछ -कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि आपका कर एक्सिस के, के सारे पावर्स आपके इवन होते हैं इंपॉर्टेंस ये आप प्लस वाई डालो चाहे माइनस वाई डालो फर्क नहीं पड़ना चाहिए जैसे आप अगर इसके अंदर टू डालोगे y का वैल्यू या माइनस टू डालोगे x का वैल्यू सेम आएगा मतलब x के के एक वैल्यू लिए y के दो वैल्यूज काम देते हैं जब x के एक वैल्यू के के लिए y दो वैल्यूज काम देते हैं एक positive, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपको हर जगह यहां पे दो 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 पॉइंट एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे मिलेगा तो क्या सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगी हाँ मतलब इवन पावर बोलने का ये रीजन है कि आप यहां पे बेसिकली जो है डायरेक्टली समझ जाओ कि माइनस वाई की जगह माइनस वाई भी अगर आप यूज कर रहे हो तो भी यहां पर जो है आपको काम चला देगा ये इक्वेशन तो जैसे वाई के लिए काम हो रहा है वैसे माइनस वाई के लिए भी आपका काम आप कर दो इसका मतलब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस आना तय है वैसे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस का वाती है जब एक्स की जगह माइनस एक्स करने से यहां पर फर्क ना पड़े मतलब एक्स के सारे पावर्स आपके इवन हो जाए yes, x के पावर सारे इवन हो जाए या फिर मॉड वर्ड लगा दे कोई ठीक है तो आप यहां पे प्लस एक्स डालो माइनस एक्स डालो फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है जब प्लस एक्स डाल के माइनस एक्स डाल फर्क नहीं पड़ता जो वाई है वही बनता है देख रहे हो कि उनकी पावर इवन है एक्स वाले टर्म्स भी इवन है इवन हाँ पावर के साथ में है तो आप चाहे एक्स लिखो चाहे माइनस एक्स लिखो वाई लिखो चाहे माइनस वाई लिखो फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपका ग्राफ ऐसा बनेगा कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और अगर वाई की पावर इवन है तो एक्स के सिमेट्रिक है, उल्टा है। और ये वा तो दोनों वाला केस तो काफी आसान था लेकिन अगर आप ये रियलाइज करो कि आपका जो कर्व है उसके अंदर एक्स और वाई की पोजिशन एक्सचेंज करने से कोई फर्क ना पड़े जैसे

कुछ कुछ पॉइंट्स है जो यहां तो पर याद रखोगे तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट इज दिस कि अगर आप यहाँ पे X और y की जगह रिप्लेस कर देते हो लेकिन तब भी आपके इक्वेशन पे फर्क ना पड़े मतलब कर्व कैसा होगा अगर X और वाई करने पर भी कोई फर्क ना पड़े मतलब कर्व आपका यहाँ पे कॉड्रंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा है ना इस कॉर्ड्रन में इस कॉर्डर में यहां पर जो है आपका सिमेट्री आपको नजर आएगा जैसे आपने यहां बनाया है बिल्कुल वैसे ही आप क्वार में पलट के यहां बना सकते हैं राइट सो दिस इज अनदर पॉइंट वी कैन रिमेंबर ये ये क्या है है एडिशनल जो हम यहाँ पे यूज करने पड़ सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका कर हमने पहले कभी बनाया नहीं है ठीक है अदरवाइज पे और क्या हो सकता है कुछ पॉलिनामेल्स अगर आपको यहां पर देते हैं लेट से एक्स क्यूब आपको दे दिया प्लॉट करने के लिए एक्स की पावर जैसा कोई टर्म आपको दे दिया प्लॉट तो करने के लिए तो एओडी के फंडे यहाँ पे लगा के आपको फायदा मिलता है या फिर अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंजर दे दिया या फिर आपको मॉडल फंक्शन दे दिया तो यहां पर जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के आइडियाज है वो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ठीके? लेकिन इन इन सभी के ऊपर अलग से डिस्कशन आपके हो चुके हैं एओडी के ऊपर तो घंटों डिस्कशन हो चुके हैं एओडी अपने आप में यहां पर बहुत बड़ा सेक्शन है आपके जेई सिलेबस का और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी अगर आप जाके देखोगे आपके दो तीन सेशन अच्छे बड़े बड़े से यहां पर हमने लियो एन अकेडमी जेई चैनल पर ताकि आप सारे ही ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से याद रख पाए ठीक है तो ये ऑलरेडी आपके दिमाग में वॉट वी आर ये सब भी याद रखो है ना ताकि आपको यहां पर जो कुछ अलग कर्व दिखाई दें उनसे आप परेशान ना हो राइट सो so, अब अलग कर्व दिखाई कैसे दे सकते हैं दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स देखो यहां पर ध्यान से आपको यहां पर दिया है कि यार आप ना इस एरिया को बेसिकली डिफाइन करो और बताओ कि ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू एक बार अगर निकल जाएगा तो ये कैलकुलेट करके बताओ कि फाइनल आंसर आपका कितना आएगा ठीक है तो यहां पर जो दिया हुआ है कर वो क्या है x की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री इज लेस देन और इक्वल टू वन है ना यहां पर बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए स्पेस होना चाहिए था लेस देन और फर्स्ट है ये आपका सेकेंड है ये आपका थर्ड है। ठीक है तीन अलग अलग इक्वल टू जीरो अगला है एंड वाई इक्वल टू जीरो में ऑब्वियसली पहले वाले में ही दिक्कत है बाकी दोनों तो हम यहां पे प्लॉट कर ही लेंगे ना ये लाइन है वो भी लाइन है यस यस नो यस हम्म सर बच्चों को अगर आप यहां पे अब ये पहला वाला प्लॉट करना चाहते हैं तो पहली बार तो हमने यहां पे इनइक्वालिटीज का डिस्कशन पहले से कर लिया है इक्वलिटीज में हम ये बोलते हैं कि यार पहले तो इक्वालिटी ही प्लॉट करो बाउंड्री के बारे में समझो फिर यहां पे आपका बाकी काम आप कर सकते हो so, सो अगर आप यहां पे सोचने की कोशिश करो कि यार ये बनेगा कैसे एक्स की पार्टर टू बाई थ्री प्लस वाई की पार्टर टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन कैसे बनेगा तो आप यहां पर दिमाग लगाओगे अपने कर्व ट्रेसिंग के उन सभी फंडोज का, का, फंडो का उन सभी फंडो का जो आप यहां पे बेसिकली अभी पढ़ के आए हो ठीक है तो यहां पर आप मुझे देख के बताओ कि क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक्स और वाई को एक्सचेंज कर देंगे अगर अगर हम यहां पे एक्स और वाई को एक्सचेंज कर देंगे तो वही बनेगा इक्वेशन जो पहले से था यस और नो सोचो जरा क्या यहां पर फिर से वही बन जाएगा जो इक्वेशन पहले से आपको दिखाई दे रहा था बिल्कुल मतलब ये क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है जब आप X और y को करके वही कर लेते हो, मतलब ये में आपका करता करता है, है है। ना? गया? के अगर आप एक्स और वाई को एक्सचेंज करके वही कर जनरेट करो मतलब ये के करता है। लेकिन अगर आप एक्स की जगह माइनस और वाई की जगह माइनस करो और तब भी फर्क ना पड़े जैसे यहां पर अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स करते हो वाई की जगह माइनस वाई करते हो तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या पावर टू बाई थ्री का मतलब क्या है X square की power 1 by 3, y square की की पावर पावर तो आप जगह डालोगे स्क्वायर उसको खा जाएगा बाद में क्यूब रूट होगा वाई भी यहां पर आप माइनस डालोगे तो यहां पर वो क्या हो जाएगा है ना स्क्वायर होके माइनस यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा तो ये फिर से हमें एक और जो है कर्व ट्रेसिंग का आइडिया है ना इस्तेमाल करने का मौका दे रहा है कि ये जो कर्व है इसके अंदर सिमेट्रिक कॉर्डेंट्स में भी होगी सिमेट्री वाई एक्स के अबाउट भी होगी और सिमेट्रिक कॉर्डेंट में भी होगी यहां तक हम डी कर चुके हैं लेकिन क्या ये इवन पावर वाले थॉट के साथ में भी एग्री करता है जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था जैसे हमने यहां पे इनिशियली डिस्कस किया था वाई स्क्र इज फोर एक्स वाला डिस्कशन वाई स्कोर इज टू फोर एक्स जो होता है आपका क्योंकि इवन पावर के साथ में है इसलिए यहां पर आपके पास में एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है लेकिन आप यहां पर यह सोचो कि y स्क्वायर की जगह यहां पे अगर मैं दोनों साइड पावर टू बाई थ्री ले लू मतलब पावर यहां पे बाई थ्री ले लू दोनों साइड तो आपका सिमेट्री का आइडिया तो चेंज नहीं होगा ना सिमेट्री का आइडिया अभी भी यहां पर बरकरार है क्योंकि अगर आप यहां पे पहले माइनस वन और प्लस वन डाल के दो आंसर जनरेट कर पा रहे थे तो यहां पे भी अभी माइनस वन और प्लस वन डाल के एक ही एक्स के लिए दो अलग अलग आंसर आप यहां पे जनरेट कर पाओगे तो आपका यहां पर इसका मतलब जो थॉट है वो सिमेट्री वाला भी यहां पर लग रहा है ये सारी चीजें जो है दिखने में काफी सिंपल है लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करते आना चाहिए आपको अभी तक हम यहां पे यही देख रहे हैं कि इस एक सवाल में सब कुछ दिख रहा है इस एक सवाल में सब कुछ दिख रहा है समझ में आ है क्या बात समझो जरा इस एक सवाल में सब कुछ दिख रहा है आपको यहां पे इसका मतलब x के अबाउट भी सिमेट्री दिख रही है y के अबाउट भी सिमेट्री दिख रही है क्वाड्रेंट्स में भी सिमेट्री दिख रही है और आपको यहां पे y एक्सिस के अबाउट y के अबाउट भी सिमेट्री दिख रही है इतना सिमेट्रिक फिगर है ये लेकिन ये सब अभी डिस्कस करने में हमें यहां पर जो है सोचना पड़ रहा है टू और फ्रो करना पड़ रहा है जब हम यहां पे इन सब चीजों को दिमाग में रख के एग्जाम में जाएंगे तो हमें यहां पर बेसिकली बस चेकआउट करना है इसको हाँ यार ये तो बहुत सिमेट्रिक फिगर है में भी है, के भी है, के एक्स एक्सिस एक्सिस वाई सिमेट्रिक यह कितना समय लेगा यह देखने में आपको समय लेगा शायद पांच सेकेंड बात समझ में आ रही है हम पहली बार क्योंकि यहां पे टू एंड फ्लो करके इस क्वेश्चन के थ्रू समझना चाह रहे हैं कि यार ये सारे पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है इसलिए हमें यहां पर जो है इस सवाल में इनिशियली ही इतना समय लग रहा है हमने अभी तक सवाल को स्टार्ट ही नहीं किया

आप फर्स्ट क्वार में अगर बस अपने ग्राफ को इस तरह से इमेजिन करो तो क्योंकि सिमेट्री हाँ क्योंकि आपकी एकस के अबाउट है, अगर ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए और अगर नीचे है तो ऊपर भी होना चाहिए समझे इतना सा थॉट कि आपका ये सिमिट्रिक है अच्छे तरीके से ये आपको अपने फाइनल फिगर तक काफी आसानी से पहुंचा रहा है इज दैट क्लियर विद एवरी थोड़ा और सीमेट्रिक आप यहाँ पर इसको बना लेना है ना अभी यहाँ पर जो है मेरे पास में ऐसा कोई टूल नहीं है कि मैं एकदम से यहाँ पर इसको जो है बहुत सीमेट्रिक बना पाऊँ लेकिन एक आइडिया सही तरीके से कन्वे आई गे ऑलरेडी हो चुका है ठीक है अब आप पूछोगे इसका करेंगे क्या है ना देखो लेकिन ये फर्स्ट स्टेप तो आपको करनी पड़ेगी यहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा आगे और भी यहां पे इस सवाल में बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन बचा है अभी तक अगर आपको ये सवाल देख के मजा आया है तो पहली बात तो लाइक तो कर ही दूँ

है ना काफी अच्छे लेवल पे जिसकी जानकारी नहीं रखते थे उसको यहां पे इमेजिन कर पा रहे अब ये जो कर्व है इसको भी के साथ में इमेजिन करूं तो एक्स प्लस मतलब आपको आप प्लॉट कर लोगे सही बात है y X. ये हो आपका वाई ग्रेटर वाईक्वल टू जीरो क्या है एक्स एक्सिस वाई ग्रेटर मतलब कैसा है एक्स एक्सिस के ऊपर तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है उसके बाद में अब को हैंडल करना स्टार्ट करते हैं ये ग्रेटर देन आपने जो प्लॉट किया है मतलब इसके ऊपर है ना इसके ऊपर होना चाहिए लेकिन एक्सिस के भी ऊपर जाने के लिए बोल रहा है लेकिन यहां पर लगा है लेस देन का साइन है ना मतलब ये जो आपका अंदर आपको रहना है अगर आप इसके अंदर रहना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो कुछ ऐसा आपको फीलिंग देगा है ना एक तो आपका शेडेड रीजन ये वाला आएगा फर्स्ट क्वार्टर में और थोड़ा सा एक शेडेड रीजन यहां पर भी है अगेन सिमेट्री की जो हम यहां पर बात कर रहे थे वो आपको एक बार फिर सपोर्ट करेगी आप अभी यहां पर ये देख सकते हो कि यार ये जो आपका वाइस बलू माइनस एक्स है इसने इस सेकेंड क्वार्ट वाले रीजन के एग्जैक्टली exactly दो टुकड़े किए हैं बराबर दो टुकड़े की बाइसेक किया है तो आप यहां पे बेसिकली अगर इसका एरिया निकाल लो फर्स्ट ऑर्डर में जो दिया है वो तो पूरा पूरा लेना ही है लेकिन उसका आधा और लेना पड़ेगा आप क्योंकि वही एरिया पूरा आ सकता था लेकिन यहां पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो गई इसलिए पूरा नहीं आ पाया उसका आधा ही आ पाया है तो ओवरऑल अगर मैं इंटीग्रेशन की मदद से यहां पर सोल्व करना चाह रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा एक तो ये वाला पूरा चाहिए मुझे और एक आधा चाहिए वैल्यू इसी की ले लो उसका आधा और यहां पे इंक्लूड कर लेना मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं डेढ़ है, निकाल के बताना है आप यहां पे एरिया कैसे निकालोगे एरिया निकालना अब आपके लिए बहुत आसान है आप जीरो से लेकर वन तक तो इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वैल्यू पता है ना आपको कर वैल्यू पता है कर की वैल्यू पता नहीं है ऐसा नहीं है आपके पास में यहां पर जो ये बाउंड्री बन रही थी ये कैसे बन रही थी y की पावर टू थ्री टू वन माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री फिर तो यहां y की वैल्यू निकालने के लिए वन की पावर, टू, थ्री की पावर टू कर लो क्या दिक्कत है आपको कर तो मिल गया ना यहाँ पे कम से कम ठीक यहां तक बात समझ में आ रही सारे बच्चों है ना यहां तक समझ लो क्योंकि इसके बाद में आएगा मेन मजा ठीक है की वैल्यू यहां पर मैं डालूंगा कितनी वन माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू साथ में आ जाएगा dx कहां, से कहां तक जाने जीरो से लेके वन तक ये है अभी आपकी कहानी यहां तक तो क्लियर पहले तो बताओ पूरा डिस्कशन क्लियर ये डिस्कशन अगर आप खुद से करोगे तो कितना समय लगेगा बेटा एग्जाम में कुछ नहीं लगेगा लेकिन आपके लिए यहां पर यह है ना एकदम दिमाग में ऐसी होनी चाहिए

जो आपको आगे सॉल्व करना है ना उसमें लगेगा वॉलिस फॉर्मूला उसमें लगेगा वॉलिस फॉर्मूला वॉलिस फॉर्मूला कब लगेगा जब आप यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या है बेसिकली आपका थ्री बाई टू वन पॉइंट फाइव मतलब थ्री बाई टू अगर आप यहां पे लगाते हो इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय वॉलिस फॉर्मूला कैसे आता है वॉलिस फॉर्मूला का है? याद जब आप यहां पे x को रिप्लेस करते हो साइन क्यूब थीटा से तो आपका dx रिप्लेस होता है थ्री साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा से अगर आप अब इस transition को यहां करोगे तो देखो क्या होगा आप यहां इंटीग्रेशन जीरो डाल के थीटा का वैल्यू जीरो लेकिन वन डाल के थीटा का वैल्यू फाइव बाई टू देखो जीरो से लेके फाइव बाई टू ये काफी अच्छा लिमिट होता है वन माइनस वन माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री तो आप यहां पे बेसिकली इसकी थर्ड पावर और स्क्वायर करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा sin square. समझे? उसकी power हो गई और आगे आपको यहाँ पर क्या करना है Dx वाली value डालना है वाली डालना so uh, से लेके टू तक cos square की power, by मतलब कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बेटा उसके बाद में टू है आपके पास एंड वी ऑल्सो है

वॉलीज कल भी हमने डिस्कस कल ही हमने डिस्कस किया था शायद याद है वॉलीज फॉर्मूला हाँ जी वॉलीज अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो वॉलीज आपको क्या बोलता है कि अच्छा इस तरह के अगर अरेंजमेंट है तो आप पहले तो यहाँ पे पहली जो पावर है फोर उसको एक कम करके स्टार्ट करो थ्री से स्टार्ट करो और दो दो से कम करना स्टार्ट करो दो से कम करोगे तो वन पे पहुंच गए तो रुक जाओ क्योंकि जीरो और नेगेटिव वैल्यूज नहीं बनानी होती है दो दो से कम करना होता है आप यहाँ पे साइन स्क्वायर देख रहे हो स्क्वायर देख रहे हो तो यहाँ पे पावर एक कम से स्टार्ट करो इसके नीचे जाने का स्कोप ही नहीं है क्योंकि दो से कम करना होता है दो दो से कम करना होता है ठीक है सो दो दो से कम करने का स्कोप यहाँ पे नहीं हमारे पास नीचे आपको दोनों के सम से बिगिन करना है मतलब छह से बिगिन करना है फिर दो दो से कम करना है तो आपको काफी स्कोप मिला यहाँ है पे है दो दो से कम करके आप दो तक जा रहे हो जीरो या नेगेटिव क्वांटिटी आपकी नहीं बनना चाहिए लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों इवन है इसलिए एक्स्ट्रा पाई बाय टू आपको करना होता है मल्टीप्लाई ये है आपका आंसर ये है आपका आंसर और अब आप यहां पे बेसिकली अपने कैलकुलेशन को एक बार अब फिर से रीचेक करो और बताओ कि यहां पर क्या निकालना है अल्टीमेटली हमें इस एक्सप्रेशन टू फिफ्टी सिक्स ए अपॉन पाए यह कितना होगा टू फिफ्टी सिक्स ए अपॉन पाए का वैल्यू निकालने के लिए यह तो ए आपके पास आ चुका है टू 256A सिक्स ए के लिए आप ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो उसके अंदर है ना आगे तो यह सारी चीजें कंटिन्यू हो ही जाएंगी

थोड़ा सा ट्रबल ज़्यादा होता है रादर देन करना। लेकिन पक्के से निकाल लूंगा मैं। और टाइम हाँ वेस्ट कर दिया एक मिनट आपने यहां पर सोचने में ही लगा दिया राइट एक मिनट अगर आपने सोचने में लगा दिया फिर आपको पता लगा कि नहीं यार जम नहीं रहा है कुछ तो आपने छोड़ दिया तो फिर यहां पे मजा नहीं है फिर उसके अंदर ठीक है फिर आपने एक मिनट बेसिकली बर्बाद किया ठीक है

सर uh, पहली इक्वालिटी को क्यूब क्यों नहीं कर सकते पहले इक्वालिटी को क्यूब क्यों नहीं कर सकते कोई बहुत अच्छा यहां पर रिजल्ट नहीं बनेगा बेटा ठीक है और वैसे भी आपको जब कर प्लॉट करने के लिए दिया जाता है तो अगर आप क्यूब जैसी चीजें अगर कर देते हैं तो फिर वो वो कर नहीं रहता जो दिया हुआ है आइडियली है ना जैसे कि आप अगर यहां पे ये देखते हो कि आपको दिया है y इक्वल टू रूट एक्स सिंपल एग्जाम्पल से समझो आपको लगा कि वाइजिकल टू रूट एक्स अरे यार ये कहां से प्लॉट करूंगा कर लेता हूँ तो, आपने किया वाई तो वाई आपको लगा। आपकी वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है तो इतना ही बनेगा बस ये ठीक है तो ये दोनों में डिफरेंस है अगर आप यहाँ पे क्यूब स्क्वायर जैसी चीजें करोगे तो यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और वैसे भी इस क्वेश्चन में ऐसा क्यूब करके कोई बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं ठीक है क्लियर है 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 क्या क्यूब करके बहुत बेनिफिट कुछ तो होने वाला है नहीं आई वुड रिकमेंड कि आपने जाके अपने जे डेली के अंदर जो एरिया का डिस्कशन उसको भी देखना चाहिए आई थिंक uh, दो ही सेशन में यहाँ पर जो है मैंने एरिया शायद कंप्लीट किया था तो आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर जो है uh, मतलब समय नहीं स्पेंड करना पड़ेगा लेकिन आपको एरिया का जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग तो आज भी हमने डिस्कस कर लिया लेकिन एरिया के जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करते हुए देखोगे ना उतना ही आपको यहां पर कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं अच्छा वैसा भी सोच सकते हैं अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आता है वैसा भी क्वेश्चन आता है ठीक है तो आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे यहां पे टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ वट अबाउट दिस क्वेश्चन इसको देखो तीन सेशन लिए थे अच्छा तीन सेशन लिए थे ओके <laughs> तीन क्यों लिए होंगे लेकिन मैंने एरिया विध एक्स एक्सिस एरिया बिटवीन अच्छा ऐसा लिया था क्या एक शॉर्टकट का कर सेशन लिया था मैंने अच्छा एक शॉर्टकट कर सेशन अलग से लिया था करेक्ट और right, हाँ एक एक सेशन में पूरा शॉर्टकट ही डिस्कस किया था आई <laughs> इसलिए तीन सेशन हो गए चलो तो यहां पर अपना फिर से 2022, इसी साल का सवाल जो है उसको एक बार देखते हैं बहुत सारे की चीजें हैं बहुत सारी यहाँ पर इनक्वालिटीज हैं इन का हमने यहाँ पर जो है टेंशन लेना छोड़ दिया है हम बोलते हैं कि यार पहले तो हम क्या करेंगे इक्वालिटीज प्लॉट करेंगे फिर बाउंड्री बन जाएगी फिर देख लेंगे कि आपको बाउंड्री के उस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला ए का जो डिस्कशन है उसको करते हैं ए का डिस्कशन काफी आसान है है ना एवन को पहले कर लेते हैं

का का भाई है और वाई एक्स, वाई 4X का भाई है है और एक राइट ओपन करेगा एक लेफ्ट ओपन करेगा है ना ये तो एकदम छूटते तो से हमारे ड्रॉ हो गए फिर आपका जो अगला वाला डिस्कशन है वो भी बहुत आसान है क्योंकि इस डिस्कशन में आपको बेसिकली मोड़ की अगर चिंता है तो मोड़ हटा लेंगे क्या दिक्कत है उसके अंदर तो आप अगर यहाँ पे देखते हो कि मॉड एक्स 2y दो टुकड़े कर सकते हैं तो तो और दोनों ही आपकी स्ट्रेट लाइन है दोनों ही क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ध्यान रखना कि कब हमने क्या किया है अगर मैंने मोड़ को प्लस के साथ में ओपन किया है तो मतलब मैं केवल राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव है

पीछे जाना अलाउड नहीं है लेकिन पीछे क्या बनेगा फिर अगर आपका एक्स नेगेटिव तो आपको ये बनाना है तो अगर आप इसको बनाने की कोशिश करो तो आपको यहां पे, पे वाई की वैल्यू जीरो माइनस एट ठीक है एंड uh, एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू कितना तो मिला फिर से प्लस फोर तो ये आपका लाइन एकदम सिमेट्रिक फिगर जनरेट करवा रहा है बात समझ में आई सारे बच्चों को तो आप यहाँ पे अब इनइक्वालिटीज को लेना स्टार्ट करो दोनों फिगर आपके यहां पर बन चुके हैं सिमेट्रिक फिगर आपका बन चुका है आप यहां पर बेसिकली वाई स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू एक्स नहीं चाह रहे थे y square के साथ में greater than y square greater than साथ में ग्रेटर ग्रेटर देन देन का साइन था वाली साइड लिखा हुआ है तो y की वैल्यू मतलब इस बाउंड्री से बड़ी होनी चाहिए है ना इज ग्रेटर देन मतलब आप पैराबोला के बाहर जाना चाहते हो ये लैंग्वेज भी आपकी चल जाएगी तो पैराबोला के बाहर होना चाहिए लेकिन यहां पर आप देखो कि आपके पास क्या यहां पे इंफॉर्मेशन थी कि लाइन के साथ में इक्वेलिटी तो आपने प्लॉट कर ली लेकिन आपको लाइन लेस देन के साथ में एक्चुअली इमेजिन करना है तो लाइन वाला फिगर लेस देन मतलब क्या है आपकी वैल्यू कम है ठीक है तो आपकी वैल्यू कम है मतलब लाइन के नीचे जाना है लेकिन पैराबोला के ऊपर जाना है तो आपके उसमें यहां पर एरिया डिफाइन इस तरीके से आपने पहले तो कर लिया लेकिन जैसे ही आपने एरिया यहां पे डिफाइन किया तो आपको पहली बार तो दिखाई दी सिमेट्री इसलिए हम यहां पे पूरा कैलकुलेशन तो करने वाले नहीं है राइट हम आधा राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करेंगे उसका डबल करेंगे पहले तो इस बात की गारंटी दे सारे बच्चे एवरीबडी एग्रीज विद दिस कि हम राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करेंगे राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करेंगे यस yes. <coughs> वाले केवल प्लस वालों को रिप्लाई देते हैं प्लस पे आ जाओ फिर आपको यहां पर अगर इतनी ही जो है वो है मतलब दुख फील हो रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे ठीक है तो बात और इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म तो आपका प्लस ही है तो उसके अंदर क्या करें मतलब ठीक है और एट right, वैसे ये सब ये सब जो है दिल में इतना बैर लेके अगर बैठोगे तो क्या पढ़ पाओगे बेटा ठीक है और एट right, वैसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यार जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो बातें करने का मेरा मान प्लान बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है अगर हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे बाकी बच्चों के जैसे ठीक है आ, बाकी बच्चों के जैसे नहीं बाकी मतलब यहाँ पर जो एजुकेटर्स होते हैं जो यहाँ पे बस शायरी करते हैं क्लास में आके बस शायरी नहीं करते हैं लेकिन हाँ यहाँ पे पढ़ाने के आसपास फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं मौका ढूंढ के शायरी करते हैं वैसे काम हमसे होते नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैसे ही YouTube के ऊपर क्या है कि इमेज बनाने और खराब करने वाले लोग बहुत बैठे और हमसे यहाँ पर ये यह है ना टाइम बर्बाद करने वाला काम होता भी नहीं तो हम तो यहाँ पर भाई बात बात भी बच्चों से थोड़ी कमी करेंगे है ना पढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे पढ़ाई हाँ में जिसको इंटरेस्ट है मेरे ख्याल से उनको अनकेडमी के सेशन डेफिनेटली पसंद आएंगे ऑल राइट right. पढ़ने जिसको आना है और जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है ना उनको यहां पे क्वालिटी समझ में आ जाती है ठीक है चलिए बाकी जो बह रहे हैं भावनाओं में वो तो बह ही रहे हैं उनका कुछ नहीं कर सकते चलिए तो आपके पास यहां पर अब जो फिगर बन रहा है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अब ये चिंता का विषय है लेकिन फिर से मेरा सवाल यही है कि क्या आपको शॉर्टकट दिखा क्योंकि हम ऑलरेडी पीगर तक पहुंचने में ही काफी पसीना बहा चुके हैं अगर आप इंटीग्रेशन में पसीना बहाओगे तो फिर तो यह सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप कितने बच्चों को यहां पर शॉर्टकट दिख रहा है क्योंकि क्योंकि यहां पर पैराबोला है तो शॉर्टकट का यहां पे मौका है स शॉर्टकट का मौका है बेटा कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं निकालना है कैलकुलेटर नहीं निकालना है मैम का सेशन आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं दूर यहाँ पर अभी मैम की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी आ, लेकिन आपका सेशन यहाँ पे होके डेफिनेटली रहेगा आई गेस सैटरडे या संडे में से मैम का सेशन कहीं ना कहीं होने वाला है सो कीप अ वॉच ऑन इट ऑल राइट देखो यहाँ पर आपका शॉर्टकट कैसे आपको दिखाई देगा जिन बच्चों को दिखाई दिया है उनको तो मजा ही आ गया होगा देख के आप यहाँ पे जो एरिया निकालना चाहते हो व्हाइट कलर का है ना कितना निकालना चाहते हो पूरा तो नहीं निकालना चाहते हुँ. आप तो यहाँ पर जो एरिया निकालना चाहते हो वो कौन सा है आ, है ना राइट हैंड साइड का निकाल के डबल करना चाहते हो तो आप यहां से ना इंटरसेक्शन पॉइंट से बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दो मजा ही आ जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉप तो मैं हमेशा ही दे सकता हूं ना पैरा वाले के कि किसी भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ड्रॉप तो मैं दे सकता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉप देने से फायदा क्या होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप देने से आपका वो अच्छा वाला फिगर बनता है जो हमने यहाँ पे शॉर्टकट में पढ़ा है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप देने पे पे ये जो के साथ में एरिया है उसको भी अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लू, के साथ में, जो एक सुंदर, साथ नजर आएगा? क्या आपको एक सुंदर साथ नजर आएगा ये वाला जो आपका फिगर है क्या ये एक है? क्या ट्रेपेजियम का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं और उस रेड कलर के ट्रेपेजियम में से क्या वो ग्रीन कलर का एरिया हटा सकते हो तो जो बचेगा क्या वो वाइट रिक्वायर्ड एरिया होगा बिल्कुल होगा ठीक है हम यहां पे अननेसेसरी के इंटीग्रेशन के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे हम यहां पर बोलेंगे कि यार हमें जो एरिया चाहिए वो कैसे मिलेगा वो टू टाइम्स करके मिलेगा क्योंकि लेफ्ट में भी है राइट में भी है टू टाइम्स करना है चलो बात मान ली टू टाइम्स किसका करना है व्हाइट एरिया का व्हाइट एरिया कैसे आएगा टोटल ट्रेपेजियम का एरिया ट्रेपेजियम का एरिया जो भी है उसमें से माइनस टू थर्ड ऑफ रेक्टेंगल का एरिया है, है ना ये टू थर्ड वाला सो so बताओ यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, और इसका नाम A1 है तो एनगाइड इन टू डिस्टेंस बिटवीन दम यहाँ पर एक साइड तो आपको कितनी दिखाई दे रही है एक साइड तो आपको यहाँ पे चार दिखाई दे ही रही है ट्रेपेजियम की आ, लेकिन उसके साथ में आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है उसके साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देता है दूसरा साइड जिसकी हाइट अब यहां पर पता करने के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा ठीक है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बहुत ही मुश्किल काम है क्या आसान है एक्स की वैल्यू यहां पर उठाकर डाल दो वाई स्क्र वाई स्क्र अगर आप यहां पर डालते हो तो आपको एक ऑलिडी की y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से है ना तो यहां पर कितना बनेगा वाई की वैल्यू निकालते समय आपको यहां पर बन रहा है वाई माइनस वाई प्लस फोर इंटू वाई माइनस टू तो y का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार हमें जो चाहिए वो क्या है y का वैल्यू पॉजिटिव है है ना दो के बराबर चाहिए नेगेटिव में हम नहीं जाना चाह रहे तो y का वैल्यू जो आपको यहां पर मिल रहा है वो कितना है इसकी हाइट कितनी है इसकी हाइट है यहाँ पे इसका मतलब दो के बराबर ओके इसकी हाइट कितनी है दो के बराबर है

Rectangle जो आपको यहां पर बनाना है उसके लिए भी आप यहां पर, पर बनाने का मन कर रहा है छोटा सा यहाँ येलो की मदद से प्लॉट कर पा रहे हो उसको यहां पर आपको लेके चलना है तो विड्थ उसकी कितनी है चार के बराबर हाइट कितनी है दो के बराबर चार और दो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं पहले से ठीक है सो यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं और यहीं से आपका जो है अब ए वन कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया राइट right? आई बात समझ में हाँ ये क्या बात समझ में देखो जरा ध्यान से टू टाइम्स कितना हो जाएगा ये ये बेसिकली हो जाएगा आपका दो उसके साथ में यहाँ पे हो गया छह मतलब ये हो गया बारह एंड बारह में से यहाँ पर आपको हटाना है सोलह अपॉन तीन तो कितना बच रहा है देखें जरा यहाँ पर सारे बच्चे छत्तीस छत्तीस सोलह मतलब यहाँ पे तीस बीस बीस तीस बीस तीन चार दो तो so, हजार कितना हो गया ये हो जाएगा आपका चालीस अपॉइन तीन के बराबर कितना हो रहा है एवन आपका राइट right? अच्छी बात क्या है कि हम यहां शॉर्टकट इस्तेमाल करते आ रहे हैं कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि ये लो एक पैराबोला ये लो एक वर्टिकल लाइन और ऐसा दिख रहा है इसलिए आपने यहां पर क्या करना है इसलिए आपने यहां पर टू थर्ड वाला रेक्टेंगल का आइडिया इस्तेमाल करना है ऐसा कोई सामने से आगे थोड़ी बोलने वाला है और इसलिए तो ये शॉर्टकट अच्छा है

Figure कभी भी में मिले तो आप यहां पे सोचो कि कैसे बनेगा बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर directly figure plot करते आना चाहिए। जो में पढ़ चुके हैं उन्होंने ऑलरेडी कर लिया इसको plot? आपको इस चीज को अगर plot करना है, है? ठीक तो आप एक बार आज समझ लो भले इसके बाद में डायरेक्टली प्लॉट करते मुझे बताओ यहां कि क्या एक्स और वाई की पोजीशन एक्सचेंज कर देने से

क्यों क्योंकि एक्स x एक्स x और माइनस एक्स दोनों डाला जा सकता है वैसे यहां पर भी की x जगह x और दोनों डाला जा, जा सकता है मतलब एक्सिस के अबाउट ये है और क्योंकि y के जगह भी यहाँ पे y और माइनस वाई दोनों डाला जा सकता है इसलिए ये आपके x एक्सिस के अबाउट भी सीमेट्रिक है तो ये भी जैसे आपका पिछले वाले फिगर में बन रहा था ना ये भाई सब जगह सिमेट्री आ रही थी वैसे ही इस पर्टिकुलर फिगर में भी आपकी सब जगह सीमेट्री है

तो एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू के एंड y वाई जीरो को ज्वाइन कर दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फिगर बन गया लाइन है ना अल्टीमेटली दो पॉइंट्स मिल जाते हैं फिगर बन जाता है लाइन का लेकिन अब सिमेट्री सब जगह है जैसा आपने राइट हैंड साइड में बनाया है वैसा ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है जैसा आपने ऊपर बनाया है वैसा ही आपको नीचे बनाना है तो जैसे ही आप ये काम कंप्लीट करते हो ट्रेसिंग वाला काम जैसे ही आप यहां पे कंप्लीट करते हो आपको एक बेसिकली बढ़िया सा यहां पर एक स्क्वायर मिल जाता है है ना या फिर एक क्लोज फिगर यहां पर आपको मिल ही रहा है अगर आप यहां अगर अपने एग्जाम में देखो यहां पर लेटर से टू लिख दिया यहां पे थ्री लिख दिया तो भी ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा लेकिन उसके इसमें स्क्वायर नहीं बनेगा समझ रहे लेकिन आइडिया यही रहेगा कि सिमेट्री सब जगह है तो आप यहां पे फर्स्ट क्वार्टर में प्लॉट करोगे एंड देन आप यहां पे उसको चिपका दोगे सब जगह सिमेट्रिकली आप यहां पे उसको सब जगह चिपका दो तो कभी भी आपके इसमें अगर ऐसा फिगर आता है वन के साथ में के की जगह वन दे देते हैं के की जगह टेन दे देते दे हैं दे, कुछ भी अगर दे देते दे दे हैं तो आप डायरेक्टली डायमंड शेप बनाओगे और राइट और अगर मैं इसका एरिया बाउंडेड अगर पूछूं आपसे तो फिर क्या ही दिक्कत है आप तो यहां पर इसका जो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट यहां पर कॉर्न है उसके अंदर जो एरिया है वो निकाल के फोर टाइम्स कर देना तो हमें चाहिए बेसिकली फोर टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ बेस इन हाइट आपका ये भी के के बराबर है ये भी के के बराबर है तो ये कितना हो गया बेसिकली टू के स्क्वायर आपका जो ए टू है ये कितना है टू के स्क्वायर के बराबर है तो आपके इसमें ए वन ए टू दोनों यहां पे निकल चुके हैं ये डायरेक्टली आपको लिखते आना चाहिए एग्जाम में और यहां पर भी आपको शॉर्टकट देखिए अपने बिना इंटीग्रेशन के कैलकुलेशन कंप्लीट करते आना चाहिए तो आप यहां पर रिलेशन इस्तेमाल करोगे जो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्वेंटी सेवन टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए वन तो ट्वेंटी सेवन टाइम्स ऑफ कितना करना है ट्वेंटी सेवन टाइम्स ऑफ फोर्टी बाई थ्री ये किसके बराबर करना है आपको ये करना है बेसिकली फाइव टाइम्स टू के स्क्र और बताना है कि यहां पर फाइनल आंसर कितना आएगा तो भाई यहां पे दस से कैंसिल ये चार बचेगा इससे कैंसिल होकर ये नौ बचेगा तो आपको यहां पर बेसिकली कितना आ जाएगा छत्तीस के स्क्र हो जाएगा छत्तीस मतलब के हो जाएगा आपका छ के बराबर सिक्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत अच्छे सवाल है ये सब राइट लेकिन क्या इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको है ना सभी टाइप के सिंपल डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में मिल रहे हैं ठीक है ऑल क्लियर right. Clear है क्या स्क्वायर विद सेंटर जीरो जीरो बिल्कुल सही बात है आप डायरेक्ट लेकर ऐसे याद करके बैठे हैं बहुत ही बढ़िया बात है थर्टी <coughs> नाइन दिन कम नहीं बहुत है हाँ बात तो सही है वैसे आपकी हम्म <coughs> देखो यहां पर आप

फिर नीचे वाले को भी ऊपर भेजेगा और फिर ऐसा आपका ग्राफ बनेगा ठीक है तो मॉडल होने की वजह से नीचे वाली चीजें ऊपर पलट कर जाती हैं ये आपको देखने के लिए मिला है सवाल अपने इसी साल के जेई में मतलब आप ये मान के चलो कि आपको भी यहां पर जो है काफी वेरिएशन वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं बी रेडी फॉर एवरीथिंग है ना तो आप जो यहां पर करते हैं ना कि हाँ चार नंबर तो मेरे एरिया के पक्के वो शायद पक्के नहीं है आपके चार नंबर एरिया के पक्के आपके कॉरडी के चार पक्के सीक्वेंस के चार पक्के ये जो आप पक्के 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 करके जाते हो एग्जाम में कि ये तो करके ही आएंगे वो ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको हर्ट करते हैं एंड में ठीक है कि नहीं या, ये तो यार ये तो पक्के थे आ रही है लेकिन सवाल डिफिकल्ट आ गया ठीक है तो आप तो यहाँ पर कोशिश करो कि आपके सारे ही यहाँ पर जो टॉपिक्स रेडी होना चाहिए जो सिंपल आएगा उसको आप यहाँ पे क्रैक करोगे बेसिकली ठीक है जैसे कि ये सवाल जो हमने यहाँ पे अपने डिस्कशन में भी लाया था जब बच्चे यहाँ पे मेमरी बेस्ड क्वेश्चन रिपोर्ट करते हैं फिर हम यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं तो आपका ये जो हुआ था पेपर है ना जून में उसके बाद ही हम पर डिस्कशन करते समय लगा था कि बच्चों को काफी दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखते हो अपने इस सवाल को तो इन्होंने थ्री हाँ पे बीच में डाल दी थ्री बीच में डाल के इन्होंने बहुत गंदा काम कर दिया क्योंकि अब इस वजह से आपके उसमें यहां पर दो तीन अलग अलग सेक्शन क्रिएट हो गए हैं एक सेक्शन आपके उसमें इधर क्रिएट हो रहा है एक सेक्शन आपके उसमें इधर क्रिएट हो रहा है और एक सेक्शन आपके यहाँ पे बीच में क्रिएट हो रहा है ठीक है ऐसे तीन सेक्शन क्रिएट हो रहे हैं अब क्योंकि ये दोनों सेक्शन आपके सिमेट्रिक है इसलिए किसी एक को निकाल के आप डबल कर लोगे वहां तो ठीक है और बीच वाले को आप यहाँ पे शॉर्टकट से निकाल लोगे इसलिए वैसे यहां पर कैलकुलेशन हो जाना चाहिए था बट स्टिल आई वुड फील कि यहाँ पर जो है ये सवाल थोड़ा सा ना देखो आपके जो ऑप्शन है वो भी बता रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होने नहीं वाला है ठीक है सो so, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि पहली बार तो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालोगे तो अच्छे नहीं आएंगे है ना चेक करके देखें एक बार इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या है ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल थ्री है, 3 है।, ये 3 है ये जो आपका सबसे आसान काम वो ये है कि व्हाइट वाला एरिया तो अलग से कैलकुलेट कर लो वाइट वाला एरिया कैलकुलेट कैसे होगा है ना? ये आप जैसे ही वर्टेक्स के साथ में एक रेक्टेंगल क्रिएट करोगे आपका यहां पे टू थर्ड करके आंसर आ जाएगा उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं अगर आप यहां पे बेसिकली वाई की वैल्यू थ्री डालते हो वाई की वैल्यू अगर थ्री डालोगे तो आप यहां पे एक्स कितना लेना चाहोगे है ना वाई अगर आपको यहां पे अल्टीमेटली थ्री जनरेट करना है आप यहां पे लेना चाहोगे एक्स तो छह डाल सकते हो या फिर बारह डाल सकते हो सही बात है एक्स स्क्वायर की जगह अगर आप छह डालते हो तो सिक्स माइनस नाइन का मोड करके आपको थ्री मिलता है या फिर आप यहां पे अगर बारह डालते हो तो भी चलता है बारह डालोगे की जगह तो भी आपके इसमें यहाँ पर जो है आ, आपका आंसर वाई का थ्री निकल कर आ जाता है ठीक है सो मैं जिस इंटरसेक्शन पॉइंट को देख रहा हूं उसमें एक्स की वैल्यू बड़ी है कि छोटी है आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअली भी क्रिएट करता है तो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स या तो ज्यादा मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके कम मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं तो कम मैग्नीट्यूड वाले में अभी मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ अपने रेक्टेंगल को बनाने में तो यहां से ये यह की वैल्यू सिक्स ज्यादा सही लगती है इसलिए आप यहाँ पे रूट सिक्स एंड माइनस के साथ में अपने रेक्टेंगल को इमेजिन कर पाए आपका मतलब छ के बराबर आपके यहां पे हाइट हो गया बात पकड़ रहे तो आपके रेक्टेंगल का एरिया निकालते आ रहा है आपको रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का एरिया आपका यहां पर बनेगा आ, बेस मतलब टू रूट सिक्स इंटू हाइट हाइट कितनी है नाइन माइनस थ्री मतलब सिक्स इसका करेंगे टू थर्ड तो ये आपका व्हाइट वाला एरिया आ चुका है आ गया ये व्हाइट वाला एरिया अब क्या करना पड़ेगा आपको अब आपको यहां पर बेसिकली इसके अंदर एड करना पड़ेगा क्या टू टाइम्स ऑफ समथिंग है ना क्योंकि ये दोनों आपके सेम है इसलिए हम यहां पर डेफिनेटली टू टाइम्स कर सकते हैं टू टाइम्स अगर आप यहां पे करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड की आपने यहां पर जो है राइट माइनस लेफ्ट कर लेना चाहिए रादर देन गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड आप राइट माइनस लेफ्ट करो राइट माइनस लेफ्ट करके हाँ सहूलियत से बनेगा राइट माइनस लेफ्ट अगर आप करते हो तो, हाँ पे इसका मतलब के देखना है। तो के आपके यहाँ पे जीरो से लेकर थ्री है तो आपके लिमिट जीरो से लेकर थ्री जाएगी इसमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अब राइट right कर कौन सा है ये राइट right कर आपका बेसिकली जो पैराबोला ओरिजिनली बनने वाला था वही है मतलब विदाउट मॉड के साथ में मतलब y मतलब x को अगर आप देखने जाते हो तो ये कितना हो जाएगा के अंदर y 9. है ना ये आपका आ, राइट वाला बन रहा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाले की बात करूं तो यहां पे क्योंकि ये हुआ कर है, मतलब ओरिजिनल जो था उसको माइनस के ओपन किया था मतलब, कितना हो जाएगा? Y 9. मतलब इस केस में एक्स आपका कितना बन रहा है नाइन माइनस वाई के बराबर मतलब एक्स कितना बन रहा है तो वो रहा आपका राइट कर ये रहा आपका लेफ्ट कर और इसलिए अब आप यहां पे राइट माइनस लेफ्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हो ठीक है तो इस क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा आ, इसलिए यहां पर वाला सवाल थोड़ा सा हमने उस टाइम पे भी बोला था बच्चों को कि अगर नहीं भी करके आए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर नहीं किया तो ठीक है कोई बात नहीं और अगर आप सॉल्व करते तो आपके यहाँ पे फाइनल आंसर डी निकल कर आता है आप एक बार इसको ट्राई कर लेना ठीक है फंडा पकड़ में आया शॉर्टकट देखो यहां पे कोई सामने से आके बोलेगा नहीं आपको यस yes. नीचे वाला एरिया निगलेक्ट क्यों एक बार फिर से देख लो बेटा ध्यान से सवाल पढ़ो से क्या है द द एरिया बाउंडेड बाय दर्व एंड द लाइन और वाइज थ्री के साथ में यहां पर आपको मतलब जो भी एरिया दिख रहा है उसके अंदर ये दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए आपका कर भी इन्वॉल्व होना चाहिए और वाइज ब्लू थ्री भी इन्वॉल्व होना चाहिए ठीक है दैट्स वाई ये वाला सेक्शन आएगा और फिर ये दोनों सेक्शन आएंगे ठीक है क्लियर है सर जे एल डी में जे एल नाइट वैली में सब टाइप के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करने के लिए हाँ बिल्कुल है आप पी डी एफ डाउनलोड कर लो पहले तो ठीक है भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन आफ्टर प्रैक्टिसिंग इज ऑलवेज टफ आयुष मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करते करते आप यहाँ पे उस जोन में पहुंच गए होंगे कि जो ईजी लग रहे हो तो ईजी लग रहे हैं फिर वो तो हैं। जो डिफिकल्ट वाले आपके कुछ एक सवाल होते हैं आप मेरे ख्याल से उस जोन में चले गए हो प्रैक्टिस कर करके ठीक है इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है अदरवाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उतना डिफिकल्ट नहीं है स्पेशली uh, आप जईमेन या जईमेन प्लस लेवल पे अगर चल रहे हो तो डिफिकल्ट नहीं है जई एडवांस लेवल पे अगर आप पहुंच गए हो तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी एडवांस वाले तो देंगे आपको ठीक है right. करा था पर उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या करें सर थ्री से आपने बॉयनोविल किया है ओके uh, okay, तो मेरे ख्याल से देखो आपका थ्री से अगर बायनोविल किया हुआ है तो उससे ज्यादा एग्जॉस्टिव लर्निंग पहली बार तो आपकी हो ही नहीं सकती कहीं से भी ठीक है थ्री का जो बायनोवल है उसके अंदर कंप्लीट आपका यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है आप एक बार फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से देखो और मैं तो कह रहा हूं उतना ही करके जाओ तो भी आपका का में बन जाना चाहिए थीके? इतना कॉन्फिडेंस मुझे सवाल नहीं बन रहे हैं वो आप रिटेन शायद नहीं कर पाए हो एक बार जाके फिर से क्लासेशन देखो और इस बार आप क्या करना कि देखना मत आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है समझ रहे हो आप अगर ठीक है ता आप उनको जाके एक बार फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना हो सकता है कि आपसे क्लास रजिस्ट्रेशन जिनको आप देख चुके हो पहले लाइफ में वो भी आपसे ना बने तो अगर आप जिन क्वेश्चंस को पहले देख चुके हो वही आपसे अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको इसका मतलब थोड़ा और उन क्वेश्चन पे ठहर के लर्निंग है ना दिमाग में रखने की जरूरत है और अगर ऐसा करोगे तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन आपको नए लगेंगे ही नहीं क्योंकि हमने क्लास में सब कुछ कवर कर लिया था ठीक है ऑल राइट अभी रिविजन यहां पर करना रहेगा या प्रैक्टिस करना रूपाल ये सवाल आपका बड़ा वियर्ड सा है ठीक है आपकी जो मैथमेटिक्स का रिविजन होता है ना वो क्वेश्चन के थ्रू ही होता है जैसे आज आपने यहां पर मेरे साथ बैठ के इतने सारे क्वेश्चन देखे ठीक है लग रहा है ना कि हाँ यार इतना ही तो है चैप्टर सही सही बताओ और अगर लग रहा है तो लाइक भी कर दो यार ऐसे क्या करते हो ठीक है आपको यहां पर बेसिकली क्वेश्चंस करके ही फीलिंग आती है कि हाँ यार चलो अब ये भी हो गया डिस्कस वो भी हो गया डिस्कस चमक गया यहां पे हो गया ये चैप्टर यार अगर मैं आपको केवल इतनी ही थ्योरी बताता तो आपका क्या होता मतलब ये थ्योरी देख के आपका काम हो जाता क्या कि? कि देखो एरिया ऐसा भी निकल सकता है वैसे भी निकल सकता है और बस चलो खत्म करते हैं ऐसा तो कभी आपका डिविजन होता ही नहीं है ना है ना ये तीन स्लाइड्स में ही कवर कर दिया हमने तो इस चैप्टर को राइट लेकिन जब हमने क्वेश्चन किए इनके ऊपर जब हमने क्वेश्चन किए तो समझ में आया अच्छा हाँ यार अब आ रही है फील थोड़ी है ना ये सब हमने शायद किया हुआ था पहले एक बार फिर से देख लिया तो अब याद आ गया कि हाँ ये ये चीजें होती हैं शॉर्टकट भी एक बार फिर से रिवाइज कर लिए कर्व ट्रेसिंग के आइडियाज एक बार फिर से रिवाइज कर लिए तो के थ्रू हुआ मैथ्स का कभी भी हाँ पर एक, जा, एक साथ बैठ के ऐसे मतलब आपने थ्योरी पढ़ ली क्लास नोट्स पढ़ लिए ऐसा नहीं होता ऐसा केमिस्ट्री में होता है तो इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री की पढ़ाई करने का तरीका एकदम अलग है और आपका जो मैथ्स का पढ़ाई करने का तरीका है या फिजिक्स में पढ़ाई करने का तरीका है वो एकदम अलग है मैथ्स में इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस

ये आप बोल क्या रहे हो प्रतिभा आप क्लास नाइन्थ में हो और आप बोल रहे हो कि आप मेरे क्लास इलेवंथ के लास्ट ईयर के लेक्चर देख रहे हो पर बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है क्या करें क्लास के बच्ची का बैकलॉग कैसे होता है मतलब आ तो एक लेक्चर भी अगर कर रहे हो अपनी लाइफ में तो आप बाकी भीड़ से आगे हो बैक कैसे हो गए यार यू हैव एनी बैकलॉग्स यू ओनली ओके आप बस कोशिश करो कि आप यहाँ पे सामने की जो चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो ठीक है वो आप करते रहो यार आपके उसमें चार साल है यहाँ पर वो पढ़ने के लिए जिसमें बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आखिरी के तीन तीन महीने में भी पढ़ के जो है कुछ अच्छा कर जाते हैं ठीक है आपके समय चार साल है यार आराम से करो ठीक है इसमें क्या लोड़ है इतना है नाइन्थ क्लास के बच्चे हो यार ठीक है फर्स्ट अटेंट में यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए फर्स्ट अटेंट में टारगेट सभी का नाइन्टी प्लस परसेंट होना चाहिए देखो टारगेट तो लाइफ में कभी छोटा रखना ही नहीं चाहिए ठीक है टारगेट अगर आपको मतलब मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये बोलूंगा यार कि बोलूँगा यार्ट में टारगेट नाइन प्लसेंटाइज रखना है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपका आगे का जो पूरा यहाँ पे प्रिपरेशन है आप जेई एडवांस के ऊपर फोकस कर सकते हो और फिर आपके एडवांस में भी और बेहतर रैंक आ सकती है ठीक है लेकिन हर किसी का आएगा कि नहीं केवल वन परसेंट बच्चों का आएगा बाकी बच्चों का कम ही आने वाला है लेकिन क्या कोशिश नहीं करना चाहिए पहले अटेम्प्ट में अच्छा करने की बिल्कुल करना चाहिए ठीक है एंड अगर आप यहाँ पे अपने कट ऑफ देखेंगे मेरे ख्याल से पुणे में हमने एक सेशन भी किया था कि आप कितना बेसिकली यहाँ पे मार्क्स

सो so, 99 का टारगेट रखो क्या क्या दुख है उसके अंदर हाँ है आपको 15 सवाल है, आ, 15 सवाल सवाल करने हैं 25 25 में में से से आपको ठीक है अब देख लो आप कैसे करते हो है ना ऑन एन एवरेज पंद्रह सवाल करने तो आपने अगर केमिस्ट्री में लेटर से सोलह कर लिया तो मैथ्स में चौदह करोगे तो भी चलेगा ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे पीसीएम में पंद्रह 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 सवाल करने से एक सौ अस्सी नंबर मिलता है इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आक फ्रॉम ए स्टूडेंट जो यहां पर अगर आपने अभी, अभी यहाँ पर जो पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो फिर आपके लिए हो सकता है कितने क्वेश्चन किए थे जे में अरे बाबर इतना तो मुझे याद नहीं है ठीक है रैंक तो मुझे तब भी याद है लेकिन मुझे अपना स्कोर कार्ड ओपन करके देखना पड़ेगा इसके लिए कि कितना ओपन किया था वैसे हमारे टाइम पे जे मेन जो होता था उसका नाम ए आई ट्रिपली होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम उसके अंदर आई थिंक हमारे जो है आते थे 120 so, क्वेश्चन so, आते थे सो 120 क्वेश्चन क्यों आते थे आते होंगे यार नाइन्टी क्वेश्चन आते थे हाँ लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि आ, मैं जब यहाँ पे घर पे आके देख रहा था पेपर को तो ऐसा लग रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर सॉल्व कर दिया ऐसा लग रहा था मुझे कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर सॉल्व कर दिया ऐसा मुझे लग रहा था ठीक है तो कितने थे क्वेश्चन मुझे भी एक बार जाके देखना पड़ेगा आई एम नॉट श्योर ठीक है एलसीएम ऑफ थ्री एंड रूट थ्री कितना होगा <laughs> तो आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से एक बार वो अपने सारे सेशंस में जाके देखना चाहिए पीरियडी में ये सारे डिस्कशन हमने किए थे कि रैशनल और इरेशनल नंबर का यहाँ पर आपका एलसीएम बेसिकली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है सो एलसीएम सी यहाँ पर आपका नहीं निकलेगा ऑलराइट लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको अभी एकदम से याद आ रहे हैं चलो कोई बात नहीं चलो सेशन तो सारे बच्चों ने लाइक कर ही दिया होगा हम यहाँ पर जो है आपके साथ में डिस्कन कंटिन्यू करते रहेंगे अन अकेडमी जेई चैनल का टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना बच्चों और यहाँ पे आपके सीनियर्स ने जो यहाँ पे कारनामा करके दिखाया है उसको आपको फिर से यहाँ पे इस साल करके दिखाना है निराश मत करना आप सबके साथ में यहां पर मेहनत हमने बहुत करी है आपके सीनियर्स को जो रिसोर्सेज दिए थे वैसे ही रिसोर्सेज सारे आपके साथ में भी हाँ पर जो है हमने शेयर किए हैं सो मेक श्योर दैट दैट यू हैव कॉन्फिडेंस कि आप भी हाँ पर परसेंटाइल परसेंटाइल प्लस ला सकते हैं जो बच्चे यलगार योग्य और योद्धा बैच में कनेक्टेड थे उनको तो यहाँ पर जो है लाइव इंटरेक्टिव सेशन मिल रहे थे आपके साथ में और भी कुछ इंटरेस्टिंग हम कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं उसका अनाउंसमेंट हम बहुत ही जल्दी आपके साथ में करेंगे आ, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं उड़ान के साथ में ले सकते हैं पर हाँ पर जो हो चुके हैं उनको भी हाँ पर देखने का मौका मिलता है अपने प्रिपरेशन को फर्दर, इन डेप्थ ले जाने के लिए रैंक कोर्स सारे बच्चे जानते होंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आप यहाँ पर ले पाएंगे एंड अगर आप सेंटर्स विजिट करना चाहते हैं उड़ान के साथ में आप पहले रजिस्टर कर दिए बाकी विद uh, टाइम यहाँ पे और भी है ना लोकेशंस पे सेंटर्स आते रहेंगे आपने यहाँ पे अगर इसको जो है अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं आप यहाँ पे अपना जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करें बच्चों ठीक है एंड फायदा डेफिनेटली होगा आपको uh, जयपुर क्यों नहीं आए थे आपकी बार हाँ यार जयपुर इस बार आना नहीं हो पाया uh, लेकिन कोई बात नहीं है ना आगे जब भी मौका मिलेगा तो आएंगे ठीक है चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज करना चाहिए या ईयर वाइज पी वाई क्यूज़ थ्रू पी वाई क्यूज आई थिंक अभी आप वाइज ही कर लो है ना वाइज कर लो मेरे ख्याल से अभी क्योंकि ये आइडिया लेना ज्यादा जरूरी है आ, कि आपके किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं

और आपने देखा कि उसके अंदर आज समीर सर ने था ये सवाल तो क्या मजा आज ही समीर सर ने कल ही छब्बीस जून का पेपर दे रहा हूँ और फिर से मेरे सामने वही सवाल आ गया तो वो मॉक टेस्ट का मजा खराब हो जाता है ठीक है तो आप अगर मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड को यहाँ पे जज करना चाहते हैं तो नए मॉक टेस्ट दें है ना वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे क्लियर है पीवाई टी थ्रो तो पीवाज यहाँ पर जो है आप चैप्टर वाइज देख लो और एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप कर लो ठीक है एंड एस के बारे में सारे बच्चों को पता चल चुका होगा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो एनरोल करें ना आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं संडेज को और यहाँ पे इसके मेंबर बन सकते हैं एंड आई गेस दैट इज इट फॉर द डे मजा आया सारे बच्चों को रिविजन हो गया अच्छे तरीके से एरिया का ऐसे हम यहाँ पे आगे मिलेंगे और आगे वैक्टर थ्री हमें करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन करना है एंड विद दट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गेम चेंजर विल बी ओवर लेकिन आप सबके साथ में यहाँ पर स्प्रिंट सेशन के थ्रू जैसे कल से यहाँ पर मैं स्प्रिट सेशन लेना से बिगिन कर रहा हूँ स्प्रिंट सेशन के थ्रू हम यहाँ पर आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे ठीक है ऑल राइट right, बच्चो चलिए हाइपर वॉब प्रॉब्लम आ रहा है करेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे नॉट टू वरी अबाउट इट ठीक है मैथ्स तो इलेवन हार्ड आ रहा था ट्वेंटी थ्री में भी क्या वही लेवल रहेगा हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपने मैथ्स में रिलेटिवली डिफिकल्ट लेवल ही मान के चलना चाहिए है ना मतलब फिजिक्स और फिज, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे मैथ्स रिलेटिवली हमेशा ही आपको एग्जाम देते समय डिफिकल्ट फील होगा ठीक है सो इसलिए भी यहां पर मैंने जो आपको बोला कि आपने ऑन एन एवरेज पंद्रह क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए कम से कम वन मार्क्स आग, काफी अच्छा एक जो है आपका बेंच होता है ऑन एन एवरेज मतलब आपने अगर यहाँ पे से केमिस्ट्री इजी था तो बीस सवाल कर दी बीस सवाल अगर आपने कर दिए तो मैथ्स में आपने अगर लेटेस्ट से दस ही सवाल किए तो भी आप बैलेंस्ड हो मैथ्स में दस सवाल करके भी आप बैलेंस ठीक है तो ऐसा आपने सोचना है कि यार मुझे एक सौ अस्सी तक कुछ भी करके पहुंचना है तो मैं कैसे यहां पर जो तीनों सब्जेक्ट्स का बैलेंस बिठा सकता हूं हो सकता है कि मैथ्स के क्वेश्चन करने में और केमिस्ट्री के बीस क्वेश्चन करने में आपको सेम टाइम लगे ऐसा हो सकता है लेकिन अब ऐसा है तो है क्या करें अब मैथ्स में समय लगता है आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है कॉनिक के पीवाई कब होंगे कॉनिक के पीवाई कब होंगे कोनिक के कुछ पीवाई तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए वैसे मैंने पढ़ाया था तब Uh, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका फोर डॉटो में कोनिक सेक्शन तक का डिस्कशन आगे प्रोसीड नहीं हुआ है बट uh, आप गेम चेंजर के थ्रू एंड्स प्रिंट के थ्रू यहाँ पे कुछ सेशंस देख सकते हैं अदरवाइज आप लास्ट ईयर के अगर थ्री uh, डॉटो के uh, कोनिक सेक्शन के लेक्चर्स देखोगे तो अंदर कहने के पीवाई के उसका डिस्कशन आपको मिलेगा ठीक है ऑल राइट पी में कितने ईयर के पीवाई को करना चाहिए कम से कम आप पिछले चार साल के पी वाई करो ट्वेंटी टू ट्वेंटी और नाइनटीन है ना नाइनटीन से लेके कम से कम करो And I guess that is it for the day. Good night, everyone. See you in the next class. Take care. Bye bye.